কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাম পর লে থসরে টেনশন আরে কাম পর লে থসরে টেনশন জব অফসর বন কে তে ঘর পে ধমাল ये कैसे होगा सर स्टूडेंट्स वेलकम टू कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में के इस टॉप एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जो एमसीक्यू सीरीज जो चालू की गई थी उसमें हमारे भारतीय इतिहास की दो कक्षाएं हो गई है। आज जो छात्र जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो आज की क्लास है वह है तीसरी क्लास। इससे संबंधित जो आज हम विषय देख रहे हैं भारतीय इतिहास का वह है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध और जैन धर्म को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, विषय वार बिंदुवार चीजों को जानेंगे और उन चीजों को जानने के साथ साथ हमारा जो तरीका है पढ़ाने का उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ आपको संपूर्ण सिलेबस भारतीय इतिहास का संपूर्ण सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो हम अब सबसे पहले जान लें कि ये बौद्ध धर्म जैन धर्म में हम पढ़ेंगे क्या और उसके बाद हम जानेंगे कि कौन सा एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और उस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग पूरे सिलेबस को, याद रखिए पूरे सिलेबस को, संपूर्ण सिलेबस को आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक, इसलिए आप पूरे अंत तक जुड़े रहेंगे और हो सके तो अपने साथ एक कॉपी एक पेन रखें ताकि जो महत्वपूर्ण बिंदु हो उसे आप नोट कर सके। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई आज हमारा जो टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हम जानने से पहले हम जान लें कि भाई ये जैन धर्म बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हो रही है और किन कारणों से हो रही है। ठीक, तो सबसे पहले हमको जानना होगा इन धर्म के बारे में, जैन धर्म बौद्ध धर्म जो शुरू हो रहे हैं उनके शुरू होने के कारण क्या थे, कारण क्या थे। तो सबसे पहले हमने देखा था प्राग इतिहास के बारे में। सबसे पहली क्लास में हमने जाना प्राग इतिहास के बारे में, प्राग इतिहास के साथ साथ हमने जाना हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बाद तीसरा हमारा जो टॉपिक था वह था वैदिक काल, वैदिक काल के बारे में हमने जानकारी ली। और वैदिक काल के बाद आज हम जो विषय देख रहे हैं वो है धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन। इसी धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यह हमारे दो टॉपिक रहेंगे। क्लियर, जो आपके धार्मिक आंदोलन रिलीजियस मूवमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो यहीं पर आपका प्रश्न हो जाना चाहिए, पहला प्रश्न यहीं पर दिखता है। ठीक, कि भाई जो धार्मिक आंदोलन है, चलिए धर्म तो हम समझ गए कि धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, बट ये आंदोलन क्यों शब्द जुड़ा, आंदोलन शब्द क्यों जुड़ा, इसे भी आपको जानना जरूरी है, तभी आप इस टॉपिक के साथ जुड़ पाएंगे और इसकी जो महत्ता है उसे भी आप समझ पाएंगे। चलिए, तो यहां पर हम देखते हैं जो धार्मिक आंदोलन मैं कह रहा हूं उसके पहले जो हमने पढ़ा था वैदिक काल, उस वैदिक काल में हमको जानकारी मिली कि भाई जो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जब धीरे धीरे मूर्ति पूजा यज्ञ हवन कर्मकांड की ओर जब समय बढ़ता चला, इंसान भी बढ़ता चला, तो उस समय ये घटनाएं हुई कि अब जो इंसान का कर्मकांड के प्रति यज्ञ हवन के प्रति जब लालच बढ़ा तो यहां से ब्राह्मणों के द्वारा पशु बलि की शुरुआत करवा दी गई। पशु बलि के अलावा हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में
महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, शूद्रों को भी कहीं ना कहीं शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, वह शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना बंद हो गया। इसके अलावा मैंने बताया था ऋग्वैदिक काल में जो हमारी वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी वह बदलकर अब कर्म आधारित जाति व्यवस्था पर बदल गई, जो कर्म से हटकर अब जाति आधारित हो जाएगी, यानी ब्राह्मण का पुत्र ही क्या होगा, ब्राह्मण, और ब्राह्मण वहां पर क्या हो जाएंगे, सर्वोच्च हो जाएंगे। तो यही सर्वोच्चता इस वैदिक काल के पतन का कारण बने। और वैदिक काल के पतन होने के बाद जो शूद्र या वैश्य भी और महिलाएं जिनको शिक्षा का ज्ञान का अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहा था, उन्हें ही ज्ञान का मार्ग देने की शुरुआत करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के महावीर जैन और महात्मा बुद्ध। ठीक, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल जैसे ही समाप्त हो रहा है उसके ही विरोध में कहीं ना कहीं आपको यह धार्मिक आंदोलन देखने को मिल रहा है। और धार्मिक आंदोलन कौन कर रहे हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इसी जैन धर्म बौद्ध धर्म को हम लोग जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने, जैसे मैंने बताया कि हमको जो पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है, जैन धर्म को जानेंगे। जैन धर्म के बारे में सबसे पहले जानेंगे। जैसे मैंने बता दिया कि आपको जैन धर्म की शुरुआत होने के कारण क्या थी। ठीक, ये कारण को अभी मैंने आपको बताया। कारण के बाद हम जानेंगे जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई और इसमें कितने तीर्थंकर हुए। इन तीर्थंकरों में सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसमें 24 तीर्थंकरों में यह जानने मिला कि जो वास्तविक संस्थापक हुए, जो रियल फाउंडर हुए इनके तीर्थंकरों में, उनके बारे में हम जानेंगे विशेष रूप से, जिनका नाम है महावीर स्वामी। तो हम जानेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के पूरे जीवन परिचय को हम समझते चलेंगे, जीवन परिचय को हम जानेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज को समझेंगे। साथ ही साथ इस जीवन परिचय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट कब हुआ, इसे भी हमको जानना है। क्लियर है? जब इनकी मृत्यु हो जाएगी महावीर स्वामी की, उसके बाद कैसे जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जैन धर्म का प्रचार प्रसार इसके बारे में हम जानेंगे, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में। और प्रचार प्रसार का एक माध्यम था संगीति, तो जो जैन संगीतियां हुई, जैन संगीतियां हुई कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में हम समझेंगे। और अंत में जानेंगे कुछ जैन दर्शन के बारे में। क्लियर? तो इतने सारे बिंदुओं को हम लोग देखते चलेंगे। ऐसा ही हम बौद्ध धर्म में भी देखेंगे, जैसा हम अभी जैन धर्म में देखने वाले। इन्हीं सब बिंदुओं को हम जो पढ़ाने का जो तरीका हमने इस बार लिया है वह है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ हम ये बिल्कुल एक टॉपिक को सीरीज वाइज पढ़ते चलेंगे। और आपका जैसे हमने प्रॉमिस किया है, आपको वादा किया है कि आपको संपूर्ण सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और आपको इसके अलावा, इस प्लेटफॉर्म के अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह हम पूरा करके दिखाएंगे, यह हमारा दावा है। ठीक, तो जुड़िए आप जो भी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। और किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, जिसे हम, याद रखिएगा, जिसे हम हर शनिवार को मैं लाइव रहूंगा, वहां पर जितने भी बच्चों के जो आपके डाउट रहेंगे उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं जैन धर्म के साथ और जैन धर्म की चीजों को समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि भाई जैन धर्म जो है, इसके शुरुआत होने के कारण के बारे में मैं चर्चा कर दी कि भाई जो उत्तर वैदिक काल में जातिगत व्यवस्था जो शुरू हुई और शूद्रों को, महिलाओं को जब ज्ञान की प्राप्ति होनी बंद हो गई, तब यहां पर एक धार्मिक आंदोलन के रूप में यह आ गया। अब यहां पर ये जो जैन शब्द बना है, ये बना है जिन से, और जिन का अर्थ होता है जिन्होंने इंद्रियों पर
अपने सेंसेस पर, इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर काबू पा लिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर, सेंसेस पर काबू पा लिया, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? जीन। और यही जीन से क्या बना? जैन बना। इस जैन धर्म में हम देखते हैं कि इस जैन धर्म की शुरुआत करने वाले जो थे उनका नाम था ऋषभदेव, ऋषभदेव। और ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक, इन 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले जो तीर्थंकर हैं वही कौन है? ऋषभदेव। तो अगर मैं बात करूं तीर्थंकर होते कौन है, तीर्थंकर आप ऐसा ये कह सकते हैं जो आपकी नैया, आपके भाव सागर से, इस माया मोह के जीवन से आपको क्या लगाएंगे? पार लगाएंगे। इस माया मोह के जीवन से मुक्त के, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले ही कौन होंगे? तीर्थंकर। ठीक है, तो यहां पर हमको जानकारी मिली कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुल 24 तीर्थंकर हुए। इन 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर जिनका नाम विशेष रूप से आपको याद रखना है, ऋषभदेव हुए पहले तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर। ठीक, इनके बारे में जानकारी हमें ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद में भी मिला है। ठीक, इनके बारे में जो जानकारी है, जानकारी हमें ऋग वेद से भी मिलता है। ठीक, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। अब जो अगर हम देखें यहां पर 24 तीर्थंकर हो रहे हैं, क्या हमें इन 24 को पढ़ना है? नहीं, 24 तीर्थंकरों के आपको हर एक नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको उतने नहीं पूछे जाते। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है जिनको आपको जानना है और समझना है। तो पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। ऋषभदेव याद रखिएगा। एक और प्रश्न यहां पर बनता है कि भाई जो पहले तीर्थंकर हुए उनके चिन्ह क्या थे? जैसे आपको महावीर स्वामी का एक चिन्ह मिलेगा, वैसे ही इनका भी एक आपको चिन्ह मिलेगा, सिंबॉल मिलेगा। और इनका सिंबॉल था वृषभ या बैल, बैल या सांड हम कह सकते हैं। इनका एक प्रतीक चिन्ह या सिंबॉल के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अगले जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक, तो पार्श्वनाथ से संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके डिटेलिंग पर हम जाएंगे। तो यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से स्थानों में से संबंधित थे। ठीक, तो पार्श्वनाथ के बारे में क्वेश्चन आया कि एक निम्नलिखित में से कौन से स्थानों से संबंधित थे। तो यहां पर ऑप्शन है आपके पास वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिव्रज या चंपा। तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं चीजों को। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की अगर मैं बात करूं तो ये पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ ये 23वें क्रम के तीर्थंकर थे, 23rd नंबर। अगर इनके सिंबॉल की अगर बात करें तो इनका जो सिंबॉल था, प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह याद रखेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन ये डायरेक्ट बनता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था, डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो इनका प्रतीक चिन्ह था सांप, सांप या सर्प, सांप या सर्प, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। क्लियर। इसके अलावा पार्श्वनाथ के बारे में जो प्रश्न बनता है कि भाई इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहां हुई? तो ये पहाड़ी आप देख रहे हैं, कुछ बच्चे अगर अनुमान लगा ली हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि पहाड़ी देखकर आपको क्या पता चल रहा है, कौन सी चीज को इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक, तो कमेंट सेक्शन में अगर आपने जवाब दे दिया तो जान लीजिए ये पहाड़ी है झारखंड स्थित सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर, यही सम्मेद शिखर है जहां पर पार्श्वनाथ को 23वें तीर्थंकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति
सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर झारखंड में, ठीक, झारखंड। अभी कुछ समय पहले करंट अफेयर में चर्चा में भी रहा था सम्मेद शिखर, क्या आपको पता है उसके बारे में कि ये कौन सी चर्चा, किस चर्चा में रहा था, ठीक, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में इन चीजों को बता सकते हैं। जो जो चीजें मैं पूछते जाऊंगा बीच बीच में आप उसे कमेंट सेक्शन में बताते चलिए, और जिनका उपयुक्त सही आंसर होगा उसे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो यहां पर ये जो है सम्मेद शिखर ये क्या था, झारखंड में, जहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके अलावा पार्श्वनाथ के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है कि भाई इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इन्होंने कुल 4 महाव्रत दिए, 4 महाव्रत। तो ये जानते हैं 4 महाव्रत के बारे में, तो इन्होंने पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है सत्य, सत्य जीवन में हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ये बात उन्होंने सिखाई। दूसरा है अहिंसा, सत्य अहिंसा, यानी किसी प्रकार की हिंसा आपको नहीं करनी है, ठीक है, आगे अभी हम लोग समझते जाएंगे कि हिंसा का मतलब भी क्या है और अहिंसा क्यों फॉलो करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर हम देखते हैं गांधी जी को भी, गांधी जी भी इस जैन दर्शन को फॉलो किए हैं और अहिंसा का शब्द उन्होंने भी आगे चलकर अपने पूरे आंदोलन में अपनाया था, पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में उनको आप अहिंसा को ही फॉलो करते हुए देखेंगे, ठीक। तो यहां पर सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, अस्तेय। अब ये शब्द नया है, दो शब्द तो जानते ही होंगे, सत्य अहिंसा, समझने में दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वाले होंगे तो यहां पर मैं लिख दूं कि इसका अर्थ है नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, क्लियर, ठीक। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना, इसका अर्थ चोरी ना करना, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। इसके अलावा लास्ट है आपके पास चौथा महाव्रत अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है कि इंसान जो है आजकल माया मोह में बहुत ही लगा हुआ है, ठीक, माया मोह की वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, उसे वर्तमान में अगर गर्मी लगी तो एसी ले लिया, ठंडा पानी पीना था फ्रिज ले लिया, एक कमरे की घर की जरूरत थी उसने 10 कमरे के घर बना लिए, पैसों को इकट्ठा करने में दिन रात लगा हुआ है। इसी बात को अपरिग्रह में कहा गया कि भाई आप ये जो माया मोह की वस्तुएं हैं उसे इकट्ठा ना करें, उसे इकट्ठा ना करें, यही बात अपरिग्रह में बताई गई है कि वस्तुओं को इकट्ठा ना करना। कैसी वस्तुओं को, जो आपको आलसी बनाती है, वैसी वस्तुओं को। छात्र जीवन में भी अगर आप हैं, समझिए बात को, छात्र जीवन में भी अगर आप हैं तो आपका ये संघर्ष का जीवन है, संघर्ष जीवन है। ये नहीं कि भाई आप पढ़ाई करने बैठे हैं, ठीक है, पढ़ाई करने बैठे, मैं बार बार बताते आया हूं, आप पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने का भी एक तरीका होता है, प्रॉपर एक टेबल हो, एक चेयर हो, ठीक, आसपास ऐसा कोई व्यवधान वाली चीजें ना हो कि सामने टीवी लगा है और टीवी में कुछ लोग देख रहे हैं और आप वहीं पर पढ़ने बैठ गए, उस जगह पर ना बैठे, प्रॉपर आपका एक रूम होना चाहिए जहां पर आप स्टडी करें, ठीक है, तभी आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इवन ये लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास भी आप जो देख रहे हैं इसे भी अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका कोई मतलब है, वरना यहां पर तो मोबाइल को बच्चे क्या करते हैं, है ना, मोबाइल में आजकल क्या है, ऐसे पकड़े और लेट गए और लेटे लेटे देख रहे हैं, तो लेटे लेटे देखने से नहीं होने वाला भाई। अगर आपको ऑनलाइन से भी अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप ग्रामीण परिवेश में है, चाहे आप शहर में भी हो, किसी भी जगह हो, तो आपको एक एकांत जगह की जरूरत है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन के साथ साथ आपको एक कॉपी की जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन चीजों को तो दिमाग में बैठाना थोड़ा सा, डायरेक्ट अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं ऑनलाइन देखूं और दिमाग में मेरे आ जाए पूरी चीजें, ऐसा नहीं,
आप थोड़ा थोड़ा दो दो बिंदु दो दो पॉइंट जब तक नहीं लिखेंगे, नोट्स अपने खुद के नहीं बनाएंगे, तब तक चीजें याद नहीं होने वाली। ये गुरुकुल की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, इसी परंपरा को आप अगर फॉलो करेंगे तभी चीजें याद होंगी। फिर वही समस्या, सर इतिहास याद नहीं होता, सर भूगोल याद नहीं होता, छत्तीसगढ़ में इतनी सारी नदियां हैं, भारत में पूरी सारी नदियां हैं, ये नदियां वहां मिक्स हो जा रही है, सब समस्या बनी रहेगी। इसका समाधान यही है, ठीक। तो यहां पर ये बता रहे हैं, वही समाधान तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यहां पर बोला गया कि जो आपके माया मोह की वस्तुएं हैं, वस्तुओं को इकट्ठा ना करना, यही बात तो बोल रहे हैं भाई, इकट्ठा ना करना। जितनी जरूरत है उतना खाना खाए, जितना आपको लगता है, पढ़ाई में भी ऐसा नहीं कि भी जबरन की चीजें आप पढ़े जा रहे पढ़े जा, एकदम फोकस्ड रहे, स्मार्ट वर्क करें, आपको सफलता मिले। चलिए, तो यहां पर हमको जानकारी मिली चार महाव्रत, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। अपरिग्रह बिल्कुल अभी के अभी अगर आपने कॉपी पेन लिया तो याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह बैठा लीजिए दिमाग में। ये दिया था पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर, 23rd नंबर के तीर्थंकर, ठीक। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां हुई, सम्मेय शिखर में। बार 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 सुनते जाइए, याद करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सक रहे हैं पार्श्वनाथ का एक मंदिर, एक टेंपल आप देख रहे हैं। ये मंदिर आपको मिलेगा दुर्ग में जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा दुर्ग में कहां पर ये जगह स्थित है, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे दुर्गवासी, ठीक। बहुत ही फेमस जगह है। तो ये जो है पार्श्वनाथ का एक मंदिर है, ठीक, जिसका एक इमेज यहां पर लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अगले क्वेश्चन में आपको महावीर स्वामी का नाम दिख रहा है और महावीर स्वामी के जन्म की बात की जा रही है। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम आगे जो हमारा टॉपिक है उसे बढ़ाते चलेंगे, ठीक। क्योंकि हमने बोला है, इस चीज को आप ध्यान से रखिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ आपका सिलेबस कवर होगा यानी होगा, ये आप एकदम बेफिक्र होकर रहे, ठीक है। तो उसके लिए आप सुनिश्चित रहें, आपको मैंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपका सिलेबस कैसे कवर करवाएं, ठीक है। एक नया तरीका जोड़ा गया है, एक नया तरीके के साथ हम आए हैं, तो उस तरीके के साथ आपको करवाएंगे, ठीक है। ताकि आप ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो अभी इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन भी अभी मिलेंगे, ठीक है। कैसे कूट वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है, कैसे वन लाइनर को सॉल्व करना है, ये सब चीजें भी आपको सिखाई जा रही है, ठीक है। तो जो नए छात्र हैं वो विशेष रूप से इन सब चीजों को ध्यान रखते चले, ठीक। चलिए तो इसका सबसे पहले आंसर जान लेते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, ठीक। चलिए अब अगर हम लोग महावीर स्वामी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो पहले मैंने बताया था भाई जैन धर्म हम जानेंगे कारण के बाद तीर्थंकरों के बारे में जान लेंगे, और 24 तीर्थंकरों में जानने के बाद जो वास्तविक रूप से जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की उनके जीवन परिचय को पूरा समझना है, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन पूरे बनते हैं, ठीक। तो यहां पर है आप महावीर स्वामी, ठीक। जीवन परिचय में हम देखें तो ये जो तीर्थंकर का जो इनका क्रम था, तीर्थंकर थे 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। जैसे मैंने आपको बताया महावीर स्वामी क्या है, 24वें क्रम के पहले है ऋषभदेव, 23वें है पार्श्वनाथ, और हैं आपके महावीर स्वामी 24वें नंबर के, और यही क्या है अंतिम तीर्थंकर होंगे जैन धर्म के, ठीक। इसके अलावा महावीर स्वामी का वास्तविक नाम अगर हम देखें तो वह हमें मिलता है वर्धमान। नाम याद रखेंगे, बहुत सारे लोगों को इनका रियल नाम नहीं पता है, याद रखेंगे इनका महावीर स्वामी का रियल नाम क्या था, वर्धमान। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये जैन धर्म के क्या हैं, वास्तविक संस्थापक हैं, वास्तविक
संस्थापक ही नहीं, हम लोग रियल फाउंडर ऑफ जैन धर्म हम कह रहे हैं। क्लियर? चलिए अगला जो हमारा पॉइंट बनेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। ये जन्म महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, जन्म के ऊपर भी थोड़ा सा एक इतिहासकारों में एक विवाद निकल कर आ रहा है, और बिना विवादों के तो इतिहास बनता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले के इतिहासकारों ने कुछ और खोजें की थी, आज वर्तमान में इतिहासकार और अन्य यहां पर अध्ययन कर ही रहे हैं, स्टडी कर ही रहे हैं, तो नई नई चीजें निकल कर आ रही है, इसलिए आपको थोड़े थोड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले जब हम पढ़ते थे तब महावीर स्वामी का जन्म जो लिया गया था वह था 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, याद रखिएगा अभी भी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व का समय चल रहा है। इसके अलावा अभी अभी एनसीईआरटी में जो अपडेट होकर आया है उसे भी आपको ध्यान रखना है, और वह है 599 ईसा पूर्व। क्लियर है क्या? आपको दोनों याद रखना है, मैं किसी एक पर जोर नहीं दूंगा, आपको 599 वाला भी याद रखना है, आपको 540 वाला भी याद रखना है। समझ में आ रही भाई बातें? दोनों आपको याद रहना जरूरी है, ठीक। इनका जो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व, और जो स्थान था वही स्थान क्वेश्चन में पूछा गया था, वो था कुंडग्राम। कुंडग्राम बिहार में पड़ने वाला एक स्थान है, वहीं पर इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। क्लियर? अगर हम लोग इनके पिता के बारे में देखें, इनके पिता का नाम हमें मिलता है सिद्धार्थ। पिता का नाम हमें क्या मिलेगा, सिद्धार्थ। याद रखिएगा ये सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम भी है, ठीक है, समझिए। अभी क्या है, जैन और बौद्ध जब आप पढ़कर कंप्लीट देखेंगे ना, तब आपको इन्हीं चीजों को समझना होगा, ये जीवन परिचय दोनों के मिक्स हो जाते हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म में चला जाता है, बौद्ध जैन में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये थोड़े थोड़ी चीजों को आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिए, दो तीन बार पढ़ेंगे ना याद हो जाता है, ऐसा कोई एकदम बड़ा ये चीज नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करने का चीज है, आप बार बार मल्टीपल टाइम पढ़िए, चीजें होती है, सरल हो जाती है, ठीक है, इतना भी टफ नहीं है, ठीक। चलिए, तो पिता सिद्धार्थ जो हमें क्षत्रिय में ज्ञात्रिक कुल के राजा थे, ज्ञात्रिक कुल इनका कुल जो था ज्ञात्रिक कुल था, ठीक है। सिद्धार्थ कौन से कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल। वहीं इनकी माता की अगर बात करें, महावीर स्वामी की माता, इनका नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवीगढ़ राज्य के राजा चेतक की बहन थी। याद रखेंगे, त्रिशला जो है लिच्छवीगढ़ राज्य के राजा चेतक की बहन, सिस्टर। क्लियर है? और महावीर स्वामी की माता भी है। क्लियर है? इतनी सब बातें आपको जहां तक समझ में आ रही हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगर हम इनकी पत्नी का नाम देखें तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। बिल्कुल नाम को धीरे 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 पहले बैठाइए, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, महावीर स्वामी का जीवन परिचय देख रहे हैं, ठीक। चलिए, पत्नी का नाम क्या है, यशोदा, ठीक। अब यहां पर जो इनका विवाह हुआ बहुत कम आयु में करवा दिया गया था राजा के द्वारा, सिद्धार्थ के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनकी जो भविष्यवाणी थी उस भविष्यवाणी में इनको बता दिया गया था कि ये जो वर्धमान है या महावीर स्वामी है, आगे चलकर या तो एक सर्वश्रेष्ठ राजा बनेंगे या तो ये संन्यास ले लेंगे, ये कहीं ना कहीं एक संदेह जारी कर दिया गया, ठीक। इसीलिए इनका क्या कर दिया गया था, जल्द विवाह कर दिया गया। विवाह के पश्चात
इनकी एक पुत्री हुई। याद रखेंगे इनका कोई पुत्र नहीं हुआ, इनकी एक पुत्री हुई जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शी। अनुजा प्रियदर्शी, साथ ही साथ इनकी बेटी का विवाह, इनकी पुत्री का विवाह जिनसे हुआ, यानी इनके दामाद, इनके दामाद जिनका नाम था जमाली, जमाली, और यही जमाली, जमाता जमाली आगे चलकर महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी बनते हैं, फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर स्वामी। तो याद रखेंगे इन्हें हम प्रथम शिष्य भी कहते हैं। प्रथम शिष्य जो इनके दामाद थे वही क्या बने, इनके प्रथम शिष्य भी बने। ठीक, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो महावीर स्वामी के बारे में जो भविष्यवाणी थी वो सच होता दिखा और इनको लगा कि अब मुझे गृह त्याग कर देना चाहिए। तो इन्होंने लगभग 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया, घर छोड़ दिया। ठीक, तो अगला जो है इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया। गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया, घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने के लिए इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली। घर छोड़ने के लिए इसने अपने भाई नंदीवर्धन, इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन, से इन्होंने अनुमति, परमिशन ली। ठीक, घर छोड़ने के बाद ये जैसे कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब आगे बढ़े तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी जम्भीक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो समय लगा वह कुल 12 वर्ष का, बिल्कुल एकदम कठिन तपस्या में लीन थे। और 12 वर्ष के बाद यानी 42 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति। ध्यान रखेंगे तो यहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होगी 42 ईयर, 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक गांव था जिसका नाम था जम्भीक, जम्भीक ग्राम में नदी का नाम भी आपको याद रखना है, नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि साल वनों का क्षेत्र या प्रदेश किसे कहा जाता है, कौन से क्षेत्र को साल वनों का प्रदेश कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब भी मैं आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ूंगा तो मैं, जैसे मैंने बताया कि भाई जो भी बच्चा यहां पर, जितने भी होंगे छात्र जो सही आंसर सही जवाब देंगे उनका नाम लेकर मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि इन्हीं छात्रों ने सही जवाब दिए थे। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन मैं बीच बीच में करता जाऊं उसके जवाब देते चलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात, तो यार ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति। 12 वर्ष के बाद 30 वर्ष की उम्र में क्या हुआ इनको, यहां पर इन्होंने घर छोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति होगी 42 वर्ष की उम्र में। क्लियर है, बढ़े आगे कि एक बार रिकॉल करवा देते हैं, है ना भाई, क्योंकि बार बार रिवीजन तो मेरे को तो करवाना पड़ेगा आपको, तो भाई ऐसा है कि आगे पाठ पीछे सपाट होता चल रहा है भाई, है ना। तो जहां से हमने चालू किया, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर,
जन्म के बारे में मैंने भाई आपको बताया कि यहां पर जो इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व लिया जाएगा और 599 ईसा पूर्व भी लिया जाएगा। 599 अभी अपडेटेड एनसीईआरटी के अनुसार कहा जा रहा है कि 599 ईसा पूर्व लिया जाना है और एग्जाम में भी 599 लेना चालू कर चुका है, तो इसको आप ध्यान रखें। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता जो थी उनका नाम था त्रिशला। वहीं अगर बात करें पत्नी थी यशोदा, पुत्री जिनका नाम है अनुजा प्रियदर्शी, और उनके जो दामाद थे जमाली, वही इनके क्या बने, प्रथम शिष्य बने। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में किया भाई नंदीवर्धन की अनुमति से, और ज्ञान की प्राप्ति होगी 12 वर्ष के बाद, 42 वर्ष की उम्र में जम्बी ग्राम में बीजूपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। क्लियर है? बिल्कुल, ये जैसे बोल रहा हूं दिमाग में वैसे ही बैठाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला जो पॉइंट है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, भाई जैसे आपको भी, आप भी कोई चीज पढ़ लेते हैं, आपको भी बहुत चीजें जानकारी मिल जाती हैं, तो आपको भी लगता है कि मैं किसी ना किसी को तो बताऊं कि मुझे ये जानकारी मिली, है ना। तो वैसे ही जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, फर्स्ट सर्मन, प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश, और ये प्रथम उपदेश दिया इन्होंने वितु ला चल पर्वत पर, वितु ला चल पर्वत पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, पहला उपदेश इनका वितुलाचल पर्वत पर। आगे चलकर जब इनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु से संबंधित भी अब आपको दो डेट मिलेंगे, कैसे, एक 540 के हिसाब से, एक 599 के हिसाब से। तो सबसे पहले हम जान लें कि इनकी मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हो रही है, तो इनकी मृत्यु होगी 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी बिहार में इनकी डेथ होगी। पावापुरी बिहार में इनकी डेथ होगी। अब देखिए यहां पर मैंने बताया 72 वर्ष के पश्चात इनकी डेथ हो रही है, ठीक। एक मैंने जन्म तिथि ली थी 540, जन्म लिया था मैंने क्या 540, और साथ ही साथ एक डेट लिया था मैंने 599 ईसा पूर्व, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रही क्या बातें बता रहा हूं मैं भाई, बातें मैं क्या बता रहा हूं समझ में आ रहा है। मैं ये लिखा हूं जन्म 540 में जन्म या 599। अब बोला गया कि भाई 72 साल बाद आपको जाना है, तो जो पहली बार ईसा पूर्व वाले कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं वो एक बार पिछले क्लास को देख लीजिएगा, ईसा पूर्व और ईसवी में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आए, ठीक। तो यहां पर 540 ईसा पूर्व में आपको ये नंबर या 72 साल घटाना पड़ेगा, ना कि जोड़ेंगे, ना कि जोड़ेंगे। और जब आप 72 वर्ष की उम्र को जब आप घटाते हैं तब आपको मिलता है 468 ईसा पूर्व या बीसी, समझ में आया क्या, 468 ईसा पूर्व या बीसी। तो मृत्यु क्या लिया जाएगा, ठीक है, ये अलग कलर में यहां पर आपको इंडिकेट कर दिया जा रहा है, ये बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है 468, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है कि 599 में अगर मैं 72 घटाऊं तो क्या होगा, तो ये होगा 527 ईसा पूर्व होगा, 527 ईसा पूर्व, ठीक है, क्लियर यहां तक चीजें। तो आपको दोनों डेट, दोनों के दोनों डेट आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है, 468 लेगा या तो 527, ठीक। 599 वाला अगर डेटा लेगा जन्म में, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया एनसीईआरटी में इसी डेट को ले रहा है, एनसीईआरटी में अपडेटेड यह कर दिया गया है 599, और 527 में क्या लेगा, फिर इनकी मृत्यु लेना है। यहां तक चीजें समझ में आ रही क्या, मैंने दोनों डेट को लिख दिया है ताकि जो पुराने या पहले की बुक पुस्तकों को अगर पढ़ रहे होंगे उन्हें 540 वाला डेटा मिलता है
और नई पुस्तकों में अपडेट होते जा रहा है और अब 599 दिख रहा है। क्लियर है यहां तक भाई? ये बिल्कुल हमने क्या जान लिया, महावीर स्वामी के जीवन परिचय को जान लिया। अब लेते हैं कुछ प्रश्न, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने बार बार आपको बताया है, टॉप एमसीक्यू सीरीज है, टारगेट ऑन प्रीलिम्स है, ठीक। एमसीक्यू सीरीज का तरीका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर डिस्क्रिप्शन और कंप्लीट सिलेबस। चलिए, तो ये है महावीर स्वामी 24वें क्रम के तीर्थंकर, ठीक। चलिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी को मोक्ष कहां पर प्राप्त हुआ? मोक्ष, ठीक, बताइए। यहां पर इतनी सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की, आंसर मैं चाहूंगा कि आप बताएं। तो यहां पर क्या होगा आंसर आपका? पावापुरी बिहार, पावापुरी बिहार। चलिए, तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो मोक्ष कहा जा रहा है, मोक्ष का अर्थ है इनकी मृत्यु। तो मृत्यु के बारे में मैंने बताया था भाई, इनकी मृत्यु कब होगी? पावापुरी में, पावापुरी में इनकी मृत्यु होगी। पावापुरी कहां पड़ेगा? बिहार में, बिहार में नालंदा से करीब 25-30 किलोमीटर के लगभग है, वहीं आपका ये पावापुरी पड़ेगा, पावा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। यहां इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु को एक नाम और दिया गया। आपको मोक्ष के जगह कभी अगर आपको पूछे कि महावीर स्वामी को निर्वाण कब प्राप्त हुआ, तो निर्वाण निर्वाण के लिए भी जो शब्द उपयोग किया जाएगा वह क्या होगा? मोक्ष ही होगा। या तो आपको बोलेगा मोक्ष या तो निर्वाण, दोनों में से एक शब्द पूछेगा, तो आपको आंसर क्या देना है? पावापुरी। इसके अलावा कभी आपको पूर्ण ज्ञान के लिए पूछे तब क्या बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए, अगला क्वेश्चन वही होने वाला है। पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है जैन धर्म में? ये देखिए अगला प्रश्न। जैसे मैंने कहा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक। जीन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण, ठीक। निर्वाण तो मैंने बता दिया, ये मृत्यु है। जीन के बारे में आप जानते हैं, रत्न तो होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा? कैवल्य। कैवल्य का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। यानी महावीर स्वामी को जिस स्थान पर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी उन्हें क्या मिला? कैवल्य प्राप्त हुआ। और कैवल्य प्राप्त होने के बाद जिन्हें भी पूर्ण ज्ञान या कैवल्य प्राप्त होगा वो कहलाएंगे केवलीन। याद रखना, पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या कहलाते हैं? केवलीन कहलाते हैं, केवलीन। क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा एक स्थल आप देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं ये कौन सा स्थल है? ठीक है, जो छात्र अभी भी जुड़े हैं तो बिल्कुल आप टेंशन मत दीजिए कि मैं बीच में जुड़ा हूं सर, मेरे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जहां से जुड़े हैं वहीं से कंटिन्यू कीजिए, जब जागे तब सवेरा वाला बात है कि आप जहां से जुड़े वहां से कंटिन्यू कीजिए, धीरे धीरे चीजें क्लियर होनी चालू हो जाएंगी। तो ये स्थान, एक जो खूबसूरत स्थल है, ये पड़ेगा दुर्ग के कुम्हारी में, दुर्ग के कुम्हारी में। कभी अगर आपका रेलवे या आप ट्रेन से जाना हुआ होगा और कभी आप कुम्हारी को पार करें, तो कुम्हारी को पार करते हुए आपको यह दृश्य देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यह दृश्य है कैवल्य धाम का, कुम्हारी के कैवल्य धाम का, ठीक। रोड से भी आपको, सड़क मार्ग से भी जाते हुए, रायपुर जब जाते हैं आप सड़क मार्ग से, रायपुर से दुर्ग की ओर आते हैं तब भी यह दिखता है, बट बहुत से लोगों की इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब आप क्योंकि भाई जैन धर्म के बारे में आप जान रहे हैं, ठीक, तो आपको अब ये जानने का एक इंटरेस्ट होगा कि भाई एक्चुअल में क्या है। तो ये है कैवल्य धाम, और कैवल्य धाम इसी कैवल्य से नाम पड़ा है। पूर्ण ज्ञान को ही क्या कहा गया? कैवल्य। और कैवल्य से क्या पड़ा? कैवल्य धाम। वहां पर आपको ऐसे छोटे 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 मंदिर देखने को मिलेंगे और एक ऐसा बड़ा मंदिर देखने को मिलेगा। तो क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना, जो गए हो और जो ना भी गए हो या जो जानकारी रखते हो, वो बताएं कि भाई ये छोटे छोटे ऐसे मंदिर कितने हैं, कितने ऐसे छोटे छोटे वहां पर मंदिर बने हैं। और जिनको नहीं पता है वो कृपया जाए और एक बार देखकर आए, बहुत अच्छा स्थल है। ऐसा
आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई विशेष रूप से मैं किसी धर्म में, आप देखिए जानिए, हर धर्म के बारे में आपको जानना चाहिए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये हमारे भारत के ही धर्म है, समझ रहे बातों को। हम जो इतिहास में पढ़ रहे हैं वो जितने भी धर्म हम जान रहे हैं वो हमारे जिन जो भारत में जिनका उदय हुआ उन्हीं को ही हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे, किसी बाहर के धर्म को नहीं पढ़ रहे, वो यहीं के पढ़ रहे, इसलिए आपको जानना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, किस धर्म की महिमा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक। तो ये जिस धर्म की बात कर रहा है वह है जैन धर्म, जैन धर्म, ठीक। चलिए कुछ बातें मैं बता दूं यहां पर इस प्रश्न संबंधित। ये जो आप तीन शब्द देखे यहां पर, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये किसकी बात है, ये कौन सी चीजों को लिखा है, इस चीज को मैं बता दूं। तो जैसे मैंने बताया था कि भाई हम लोग दर्शन, जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो इनका संबंध जैन दर्शन से ही है, ठीक। तो जैन दर्शन में हमें त्रिरत्न देखने को मिलते हैं, त्रिरत्न। अब एक बार सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि त्रिरत्न किनसे संबंध रखता है, त्रिरत्न किनसे संबंधित है। जैन धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था, हिंदू धर्म भी था, आपका सिख धर्म भी था, चार ऑप्शन थे। पीएससी ने तो पूछ दिया भाई जैन धर्म बताइए कि या बौद्ध धर्म का, बच्चे पढ़कर गए हैं त्रिरत्न जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म में, एक विकट समस्या वहां पर बन गई, ठीक। और अंततः उस प्रश्न का जवाब नहीं आया और जहां तक उसे विलोपित भी किया गया, क्योंकि भाई ये जो त्रिरत्न अगर शब्द आपको पूछेगा तो ये दोनों में मिलेगा, बट जैसे इस प्रश्न में आपको अगर इस प्रकार से बता दिया गया सम्यक धारण, सम्यक चरित्र या सम्यक ज्ञान, इस प्रकार से अगर पूछा तब आप बोलेंगे कि ये जैन धर्म से संबंधित है, बट अगर त्रिरत्न सिंपल ऐसा लिखा हुआ है तब आप नहीं बोल सकते कि जैन धर्म का है बौद्ध धर्म का। जब मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं कि त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान की बात की गई है और सम्यक विश्वास की बात की गई है, इसके अलावा सम्यक आचरण की बात की गई है, तब आप बोलेंगे ये जो त्रिरत्न है ये जैन धर्म से संबंधित है, समझ रहे ना भाई चीजों को ध्यान से, जो जो चीजें हैं, मेरा जो अनुभव रहा है ना, मेरा जो अनुभव रहा है परीक्षाओं को देने का, पहले भी मैं छात्र जीवन में जब रहा तो वहां पर हमारे सामने भी बहुत सारी समस्याएं आती थी कि प्रश्न कई ऐसे आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, और सरल प्रश्न होना तो ज्यादा ही कंफ्यूज कर देता है कई बार, टफ वाले तो है ही टफ, बट अगर सरल प्रश्न नहीं बनते ना तो बड़ा दुख होता है उसे, ठीक है। तो इसी कारण से मैं जो छोटे छोटे बिंदु आपको बता रहा हूं, एक प्रश्न तो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक प्रश्न के साथ साथ तो जो एक्सप्लेनेशन और अन्य प्रश्न और कैसे बन सकते हैं, संभावित प्रश्न, संभावित प्रश्न यानी आगे और कैसे क्या किया जाएगा उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो जो हमारा जो टारगेट है ना, आपको मैं बार बार चीजें बता रहा हूं कि जो हमारे टारगेट और प्रीलिम्स, नाम ही रखे ना टॉप एमसीक्यू सीरीज, सीरीज का नाम देखे कि नहीं थंबनेल में भाई, टॉप एमसीक्यू सीरीज है ना, टी फॉर टारगेट, ओ फॉर ऑफ ऑन, और पी फॉर है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एग्जाम हमारा जो फरवरी के माह में जो होता है पीएससी का, उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, और संपूर्ण सिलेबस में जो चीजें चल रही वो अभी चल रही है इतिहास, इतिहास के बाद ऐसे धीरे धीरे जो सब्जेक्ट आपके हैं वो कंप्लीट कराते जाएंगे, और एक टाइम ड्यूरेशन है, उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट कराने का पूरा हमारा प्रयास है, ताकि आपको ये प्लेटफॉर्म छोड़कर कहीं जाना ना पड़े, आप यहीं पर ही चीजें पूरी कंप्लीट करा दें, क्योंकि कॉम्पिटिशन कम्युनिटी ने हमेशा से ये चीजें करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस वर्ष दुर्गराज राम गांव वालों को मौका मिला है और ये चीजें लेकर हम आए। चलिए, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, इस सब ज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज, तो के लिख लिए, विश्वास को बोलते हैं फेथ, तो एफ लिख लिए, और आचरण को बोलते हैं तो कैरेक्टर, तो यहां सी लिख लिए।
कि एफ सी करके आप याद रख लीजिए, एक छोटा सा शॉर्टकट है, नॉलेज फेथ एंड कैरेक्टर। हिंदी में हम बोल देंगे सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। बिल्कुल त्रिरत्न कंप्लीट डन। चलो किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली में, वल्लभी में, पावा में, पाटली पुत्र में। पाटली पुत्र में, क्लियर है? चलिए पहले मैं ऑप्शन क्लियर कर दूं भाई, है ना, ऑप्शन मैं पहले बता देता हूं ताकि बाद में ऐसा ना हो कि पढ़ाने पढ़ाने में हम आगे बढ़ गए और ऑप्शन ही ना देख पाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पाटलिपुत्र वर्तमान का जो पटना बिहार में है उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था और उसी पाटलिपुत्र में श्वेतांबर का आगम हुआ। समझ लेते हैं चीजों को फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बात उस समय की है कि जब जैन धर्म का प्रचार प्रसार होना था, प्रचार प्रसार होना था। वर्तमान में किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होता है, कैसे होता है? अभी आप अगर नॉर्मल हमारे आसपास के क्षेत्र में देखें, धर्म के प्रचार प्रसार का माध्यम क्या है? मंदिर। मंदिर में कभी यज्ञ हवन होते हैं, कभी कुछ कथाएं होती हैं, कभी रामायण का पाठ होता है, ठीक। तब जाकर जब हम वहां पहुंचते हैं मंदिर में, तब हमें धर्म के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। या तो बड़े बड़े क्या होते हैं, भागवत कथाएं होती हैं। और अभी तो आप देख रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा जी छाए हुए हैं, है ना। तो वो जो भागवत या महापुराण, शिव महापुराण बता रहे हैं, या आप भागवत कथाएं भी जो सुनते हैं, वो भी एक माध्यम है धर्म के प्रचार प्रसार का। समझ रहे हैं? तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन का होना जरूरी है। इसी कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन को जैन धर्म और बौद्ध धर्म में संगीति कहा गया। क्या कहा गया? संगीति। तो अब हम जानेंगे जैन संगीतियों के बारे में कि कौन कौन सी जैन संगीति हुई थी, ठीक। तो हमारा अगला हेडिंग है जैन संगीति, प्रचार प्रसार का एक माध्यम है जैन संगीति, ताकि जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे। तो हमें जानना है दो संगीतियों के बारे में कि जैन धर्म की दो संगीति कब हुई, कहां हुई, कौन से राजा के समय में हुई, ठीक है। चलिए यहां पर लिखेंगे हम लोग क्रम, यहां लिख लेंगे स्थान, कौन से प्लेस पर, कौन से स्थान पर हुआ। इसके अलावा लिख लेंगे हम लोग अध्यक्ष के नाम, कौन प्रेसिडेंट थे भाई, किसकी अध्यक्षता में हुआ। इसके अलावा किस राजा का शासनकाल चल रहा था या कौन सा वंश उस समय था। राजा का नाम अगर हमें ज्ञात होगा तो लिख लेंगे, नहीं तो शासन काल के बारे में लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमें पहली जो जैन संगीति देखने मिली, प्रथम जैन संगीति या प्रथम जैन संगीति होगी पाटली पुत्रा में, पाटली पुत्रा में, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट के लिए हमको और जगह छोड़ना होगा, ठीक, एक सेकंड, एक पॉइंट के लिए और हम लोग जगह छोड़ लेते हैं यहां पर, इसे हटा लेते हैं, इसे भी हटा ले। एक पॉइंट और हमें लेना होगा, वो होगा वर्ष के लिए। तो इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लें इस प्रकार से, ये क्योंकि तो यहां पर हमें यह लिखना होगा कि ये किस वर्ष में हुआ। वर्ष को लिखेंगे, वर्ष के बारे में जान लेते हैं, स्थान को जानेंगे, स्थान के बारे में बाद अध्यक्ष को लिख लेते हैं और अध्यक्ष के बाद शासन काल के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा ही क्रम हम लोग रख लेते हैं। वर्ष के बारे में अगर हम देखें तो जो आपका प्रथम जैन संगीति हुई यह हुई थी 312 ईसा पूर्व में, 312 ईसा पूर्व में या लगभग लगभग में 300 ईसा पूर्व। आपको जैसे मैंने बताया, जितनी बुक्स इतिहास की आप देखेंगे उतने ही डेटा आपको मिलेंगे। तो 300 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है कि प्रथम जैन संगीति हुई थी, ठीक। प्रथम जैन संगीति का जो स्थान था वह था पाटली पुत्र, वह था
पाटलिपुत्र वर्तमान का पटना, वर्तमान का पटना बिहार। अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो अध्यक्ष थे स्थूल भद्र या स्थूल बाहु या स्थूल भद्र। क्लियर है क्या? शासन काल, और ये शासन काल था मौर्य वंश का, और मौर्य वंश के संस्थापक उस समय शासन कर रहे थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। नाम याद रखेंगे, बहुत आगे चलकर हमको पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है। तो यहां पर पहले शासक कौन हुए भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है? ये मेरा प्रश्न रहेगा आपको हमेशा, मैं एक एक प्रश्न देते रहूंगा, ठीक, एक एक प्रश्न देते रहूंगा ताकि आप एक्टिव रहें। ऐसा नहीं है कि भाई वीडियो चल रहा है आप बस देख रहे हैं, आपको ध्यान है नहीं कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो इस क्लास का जो हमारा सही मकसद है कि छात्रों को हम संपूर्ण सिलेबस पढ़ाएं, वह मकसद पूरा नहीं हो पाए, ठीक। इसलिए एक्टिव रहें, जागते रहें, बीच बीच में मैं भी प्रयास करूंगा कि कहीं आप इधर उधर तो नहीं चले गए, फिर से आपको बुलाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। तो प्रश्न यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे और इन्हें मौर्य वंश या मगध साम्राज्य में बैठाने का काम किन्हों ने किया, इसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, नहीं पता होगा अगले क्लास में चालू हो जाएगा महाजनपद काल, मौर्य काल, पढ़ेंगे जानेंगे उस महान राजा के बारे में और उस महान गुरु के बारे में भी जानेंगे जिसने इस अखंड भारत को कैसे विदेशी राजाओं से और यहां पर रहने वाले कैसे घमंडी राजाओं से बचाया, दोनों चीजें की, बाहर वालों से भी बचाया और यहां कोई अयोग्य राजा है उसे भी हटाया, ठीक। बहुत अच्छी कहानी, उसे देखेंगे हम। चल तो पहला हमारा जैन संगीति देखने को मिला हमें 312 ईसा पूर्व, कुछ को 322 भी मिलेगा तो डरने की बात नहीं है, करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। चल, पाटलिपुत्र स्थान हो गया, स्थूल बाहु या स्थूल भद्र अध्यक्ष हो गए, शासन काल हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का, क्लियर। अगला जो है द्वितीय जैन संगीति जो हुई 800 वर्ष के बाद हुई, यानी 512 ईस्वी में हुई। याद रखेंगे ये मैं लिखा हूं एडी, ये लिखा हूं बीसी, ठीक। जो संभावित गलतियां आपसे हो सकती हैं वो संभावित गलतियों के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक। चलिए तो द्वितीय जैन संगीति की बात कर रहे थे 512 एडी में, और क्या होगा देखिए, अभी तक आप जितनी भी स्थान देख रहे हैं पाटलिपुत्र बिहार या आसपास, बिहार के आसपास ही मोस्टली जितनी भी जगह आप देख रहे हैं सब आसपास ही है बिहार के, बिहार से बाहर या झारखंड का ही, बिहार का ही पार्ट था झारखंड, तो झारखंड भी जो बिहार का ही पार्ट है, तो जितनी भी चीजें हैं आप बिहार में देख रहे हैं। अब ये द्वितीय जैन संगीति जो हो रही है बहुत डिफरेंट जगह है, डिफरेंट जगह मतलब हम निकल कर जा रहे हैं जेठालाल के शहर में या जेठालाल के प्रदेश में। जेठालाल नाम समझ में आया क्या? हा? ठीक, तो जेठालाल की अगर मैं बात कर दिया ने गुजरात की, अच्छा जेठालाल के अलावा कुछ बोलेंगे भाई सर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूल गए, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र यानी गुजरात, ठीक। तो गुजरात में हम जब जाएंगे तो वहां मिलेगा वल्लभी, और वल्लभी गुजरात में क्या हुई? द्वितीय जैन संगीति हुई। अध्यक्ष थे जिनका नाम था देवाधि क्षमा श्रमण, अध्यक्ष देवाधि क्षमा श्रमण, ठीक।
श्रमण। चलिए शासनकाल की बात करूं तो बहुत ही यहां पर किसी राजा का नाम प्रॉपर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कहा जाता है जो टाइम पीरियड था 512 ईस्वी का जो समय चालू हो गया था, यहां गुप्त वंश की समाप्ति हो रही थी और ये टाइम पीरियड था पोस्ट गुप्त एरा का, पोस्ट गुप्त पीरियड का। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं उत्तर गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, ठीक। और अगर आप थोड़ा सा विचार करें और थोड़ा सर्च करें तो आपको यहां पर एक राजा का भी नाम मिल सकता है, ठीक है। बहुत छोटे क्षेत्र में शासन चल रहा था गुजरात में, वल्लभी में एक राजा का शासन था, तो आप बता सकते हैं कि वो राजा कौन था, ठीक है। बाकी वैसा पूछा कभी नहीं गया है, बट मैं आपको यहां पर संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि आगे चलकर राजा का नाम पूछेगा। तो आप बताइएगा कि उत्तर गुप्त काल में गुजरात में इस वल्लभी के क्षेत्र में किसका शासन था, ठीक है। तो 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवाधी क्षमा समण अध्यक्ष थे, उनके टाइम पीरियड में ये आपकी संगीति हुई द्वितीय जैन समय। तो जैन धर्म में कितनी संगीति? दो संगीति, बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो यहां पर आपका ये समय चला, इसी समय की बात है, पहली जैन संगीति जब हो रही थी मगध साम्राज्य में पाटलिपुत्र में, मगध साम्राज्य पाटलिपुत्र में हो रही थी, तो मगध में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, बहुत भयंकर अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। अकाल और सूखा पड़ने के कारण बहुत से जैन धर्म के अनुयायी या फॉलोअर जो हैं, ये मगध साम्राज्य को छोड़कर चले गए। कुछ लोग जो हैं जो छोड़कर गए वो दक्षिण भारत की ओर चले गए, दक्षिण भारत यानी कर्नाटक की ओर गए, और कुछ जो हैं इसी जगह पर रुक गए, कहां यानी मगध में ही रहे। उनका मानना था कि हम मगध को छोड़कर नहीं जाएंगे, और कुछ जो क्योंकि अकाल पड़ा था, सूखा था, इस कारण से चले गए, ठीक। अकाल की स्थिति सुधर गई, और अकाल की स्थिति सुधरने के बाद जो मगध से गए थे जैन धर्म के फॉलोअर्स या अनुयायी वापस आए, और वापस आने के बाद ऐसा हुआ कि यहां पर जैन धर्म के जो पहले रुके हुए थे और जो वापस आए उनमें कुछ बातें हुई, जिसमें यह बात थी कि भाई आप इस कठिन समय में हमारे साथ नहीं थे, आपको इस समय रहना था, ये बात वहां पर आई, जिस कारण से जैन धर्म में प्रथम संगीति के समय, जैन संगीति के समय यहां पर जैन धर्म में विभाजन हो गया। इसी विभाजन को तो लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र में जो अपन देखे ना अभी, क्वेश्चन जो था वही था कि भाई प्रथम जैन संगीति में क्या हुआ, जैन धर्म दो पार्ट में बट गया। तो जानते हैं कौन कौन से दो भाग हैं, ठीक। ये इमेज जो देख रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, ये इमेज किस चीज की इमेज है, किसका ये चित्र है और इसमें क्या जानकारी है ना, अभी मैं आपको कनेक्ट करूंगा। चलिए हाँ, तो मैंने बताया कि प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म दो भागों में टूट गया, एक कहलाया दिगंबर एक कहलाया श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर। देन बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं कि दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे, क्या थे, ऐसा एग्जाम में बहुत ज्यादा इसमें से आपको ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, फिर भी आपको एक अंतर जानना जरूरी है, क्योंकि आप किसी धर्म को पढ़ रहे हैं तो आप अगर उन लोगों को, उस धर्म से जुड़े लोगों को देखते हैं तो आपके मन में जो जिज्ञासा है उसका एक सॉल्यूशन भी आपको, एक समाधान यहां पर दिखेगा कि कौन दिगंबर है इसमें से, कौन श्वेतांबर है, आप तुरंत डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर अगर दिगंबर की बात करूं तो दिगंबर का जिन्होंने नेतृत्व तो किया वह थे भद्र बाहु, भद्र बाहु जिन्होंने दिगंबरों का नेतृत्व तो किया, और यहां नेतृत्व तो करता थे स्थूल
बाहु या मैंने बताया था स्थूल भद्र भी कहा जाता है, स्थूल बाहु या स्थूल भद्र नेतृत्व करता है। ठीक, इसके अलावा दिगंबर की अगर मैं बात करूं, दिगंबर ही थे जो दक्षिण भारत में गए, मतलब आपको भारत में दक्षिण क्षेत्र में आपको जिनका प्रभाव मिलेगा वो दिगंबर जैन मुनियों का मिलेगा। ठीक, तो यहां पर विंध्यांचल, विंध्यांचल पर्वत, विंध्यांचल पर्वत के दक्षिण में इनका प्रभाव था, दक्षिण में इनका प्रभाव था विंध्यांचल के दक्षिण में। वहीं श्वेतांबरों का विंध्यांचल, विंध्यांचल के उत्तर में इनका प्रभाव था। ठीक है, विंध्यांचल के साउथ में, साउथ में, और यह है नॉर्थ में विंध्यांचल के। विंध्यांचल एक पर्वत श्रृंखला है, उसे जो मध्य प्रदेश में पड़ेगी उसे ही आधार मानकर विंध्यांचल के उत्तर दक्षिण की बात की गई। ठीक, चलिए अगला। दिगंबर जैन मुनियों का मानना था कि ये जो अंबर है, ये जो आकाश है, यही हमारा क्या है, वस्त्र है, यही हमारा क्या है, वस्त्र है, और इस वस्त्र के अलावा हम और कोई वस्त्र धारण नहीं करेंगे और नहीं करेंगे, इसीलिए इन्होंने कभी भी कोई वस्त्र धारण नहीं किया और वही कहलाते हैं दिगंबर। ठीक है, जो निवस्त्र आपको दिखते हैं, नग्न अवस्था में दिखते हैं, वही है दिगंबर जैन। तो इन्होंने क्या बोला कि हम वस्त्र धारण नहीं करेंगे, इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, डेंट वियर क्लॉथ। ठीक, वस्त्र धारण नहीं किया। और अगर बात करें श्वेतांबर की, तो श्वेतांबर वालों ने कहा कि हम श्वेत वस्त्र, व्हाइट क्लॉथ, श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, सफेद कपड़े पहनेंगे, सफेद वस्त्र पहनेंगे, श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। डन। अगला पॉइंट, दिगंबर जैन मुनियों का मानना था कि अगर हमें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात हमें किसी भोजन की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात, प्राप्ति के पश्चात भोजन की आवश्यकता नहीं है, यह बात इन्होंने कही। इसके अलावा यहां पर इन्होंने कहा कि हमें भोजन की आवश्यकता है, यानी हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं कैवल्य के प्राप्त भी, भोजन पर जोर दिया गया कैवल्य प्राप्ति के पश्चात भी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। अगला एक और डिफरेंस दिखेगा, महावीर स्वामी ने जो बात कही वैसा का वैसा ही जिन्होंने फॉलो किया वो थे दिगंबर, वो थे दिगंबर, और इन्होंने कभी मूर्ति पूजा पर जोर नहीं दिया, मूर्ति पूजा पर जोर नहीं दिया। और कहीं ना कहीं थोड़ा एक बदलाव हुआ तो श्वेतांबर जैन मुनियों ने यहां पर मूर्ति पूजा की शुरुआत की, मूर्ति पूजा यहां पर वैलिड है, यहां नहीं। इसके अलावा दिगंबर संप्रदाय में यह देखने मिला कि भाई महिलाओं को, महिलाओं को यहां मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, यह बात कही महिलाओं को, और महिलाओं का प्रवेश यहां पर वर्जित भी था। ठीक है, तो यहां महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती थी, महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। और इन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता, मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता।
यहां वही बात देखेंगे तो महिलाओं का प्रवेश था और महिलाओं को भी मोक्ष का अधिकार था। ठीक, एक छोटा सा चीज डिस्कस कर दूं, एक लाइन का है, बिल्कुल समझ जाएंगे आपको। यहां महिलाओं को ज्ञान प्राप्ति का अधिकार या मोक्ष का अधिकार क्यों नहीं था? मोक्ष यानी कि मैंने बार बार एक लाइन सिंपल, देखो मैं एकदम सिंपल सरल भाषा में चीजों को मैं खुद समझाऊं तो आपको भी सिंपल ही भाषा बताऊंगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं। मोक्ष ओक्ष ऐसे कुछ नाम आप सुन रहे होंगे तो ये लग रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा टफ होते जा रहा है, तो ऐसा कुछ ही नहीं है। मोक्ष यानी कि सिंपल जो है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। ठीक, यहां पर दिगंबर जैन मुनियों ने यहां पर महिलाओं को कहा कि आपको अगर मोक्ष चाहिए तो इस जीवन में तो आप महिला पैदा हुए हैं, महिला के रूप में जन्म लिए, तो आपको मोक्ष नहीं मिल पाएगा, आपको अगले जन्म में पुरुष योनि में पैदा होना पड़ेगा और पुरुष के रूप में जब आप जन्म लेते हैं तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यहां पर हमें ये सब चीजें देखने को नहीं मिली, यहां पर महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार था। स्वेतामा, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, क्लियर है? तो यह क्या था जैन धर्म में यहां पर जो विभाजन हुआ उसका अंतर। अब ये पर्वतमाला के बारे में बता दूं, यह है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का, कर्नाटक का श्रवण बेलगोला, जहां पर एक आपको बाहुबली की एक मूर्ति दिख रही है ना? आप यहां पर बताएंगे ये बाहुबली की जो मूर्ति है इस मूर्ति को किसने बनवाया, किस राजा ने बनवाया? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, कहां पड़ेगा? कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में, क्योंकि जब दिगंबर जैन मुनि जब गए, भद्रवाहु जब गए थे, इसी स्थल पर गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है बताएंगे। इसुरबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म दक्षिण भारत में गया, पाटलिपुत्र में जो परिषद हुई इसके पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए, प्रथम शतक ईसा पूर्व में कलिंग के राजा, कलिंग यानी उड़ीसा, कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। ठीक है, इसमें से कौन सा पॉइंट सही है इसको आपको बताना है। ठीक है, बताइए कौन सा इसमें आंसर सही। ठीक, तो यहां पर आप ऑप्शन देख के थोड़ा समझ गए होंगे। अभी आपको पूरा डिस्क्राइब मैंने किया कि जैन धर्म में दो कौन कौन से हैं, श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में मैंने बताया, तो वही चीजें हैं। इसुरबाहु के नेतृत्व में क्या ये जैन धर्म दक्षिण भारत में गया था? नहीं, यहां पर भद्रबाहु आएगा। इसके अलावा पाटलिपुत्र में परिषद हुई जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए, नहीं भाई, यहां पर भी क्या आएगा? स्थूल बाहु आएगा। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला, ओडिशा या कलिंग के राजा उस समय खारवेल थे जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने में सहायता की। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और लास्ट वाले में देखिए, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते, ये बात गलत है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछा क्या है, सही कौन सा बताना है, चलो देख लो। वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। ठीक है, वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। दूसरा ऑप्शन है, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, 23वें में देख तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ठीक है, बनारस वाराणसी से थे, क्लियर? चलिए, तो यहां पर देखिए कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, बताइए, क्लियर? देख लीजिए एक बार। तो यहां पर देखिए, पहला ही लाइन आप ध्यान से पढ़िए, वर्तमान महावीर की माता, ठीक है, लिच्छवी चेटक की पुत्री थी, ये लाइन ध्यान से देखिए। ठीक, पुत्री, यहां पर मैंने आपको बताया था जो इनकी माता थी जिनका नाम था त्रिशला, त्रिशला वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, बहन या सिस्टर, इसीलिए पॉइंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, गौतम बुद्ध की माता कोली वंश की राजकुमारी थी, ये पॉइंट
करेक्ट है। 23वें तीर्थंकर बनारस से थे, ये पॉइंट भी करेक्ट है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर टू और थर्ड सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट। ठीक, चीजों को मैंने सब चीज बता दी है क्या? गौतम बुद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ये क्वेश्चन यहां पर आ गया है, अभी आगे अपना गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करी थी? ठीक, अभी आपको कमेंट सेक्शन में मैंने पूछा था कि भाई बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा। तो आपने जहां तक कमेंट सेक्शन को ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में आंसर दिया होगा तो उसे मैच कर लीजिए। तो यहां पर चामुंडा राय, कृष्ण प्रथम, कुमार पाल, तेजपाल, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा चामुंडा राय ने गोमतेश्वर की प्रतिमा, यानी आपने जो विशाल प्रतिमा देखी थी, आपको जो मैंने विशाल प्रतिमा, यहां एक इमारत, एक स्मारक आपने देखा था, ये विशाल जो प्रतिमा है यही है गोमतेश्वर की, जो बाहुबली के नाम से जानी जाती है, यही गोमतेश्वर की प्रतिमा को चामुंडा राय ने बनाया था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्राचीन भारतीय बौद्ध मठों में से एक समारोह पवन्ना का आयोजन होता है, जो था, ठीक है। अब यहां से आपको जो क्वेश्चन देखने मिलेंगे वो बौद्ध धर्म से देखने को मिलेंगे। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत हो रही है, ठीक, तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवन्ना समारोह के बारे में यहां पर प्रश्न किया गया है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं, फिर बौद्ध धर्म की हम लोग शुरुआत करेंगे और बौद्ध धर्म को हम लोग जानेंगे। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा आंसर? चलिए, तो यहां पर बोला गया है बौद्ध धर्म से मठों में एक पवन्ना समारोह होता था, उसके बारे में पूछा गया है। संघ परिनायक और धम्म विनय पर बोलने वाले दो वक्ताओं के चुनाव का अवसर था। बारिश के मौसम के दौरान मठों में रहने वाले संन्यासियों द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति थी। बौद्ध संघ में शामिल हुए नए दीक्षा संस्कार जिसमें उनके सिर मुंडे दिए जाते थे, या आषाढ़ की पूर्णिमा में होने वाले बौद्ध संन्यासियों का एकत्रित होना, बरसात के अगले चार माह एक निश्चित स्थान पर रहते थे, ठीक है। ये चीज आप देखने मिलेगी जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी कि वर्षा ऋतु का जब समय चलता है तो उस ऋतु में ये अपने संघ में रहना पसंद करते हैं, अपने आश्रम में रहना पसंद करते हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें जो बातें कहेंगे, बरसात के चार महीनों के लिए निश्चित स्थान पर ये चले जाते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है जो पवन्ना समारोह के बारे में बताया गया। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल देना ही कृषकों द्वारा जैन धर्म को स्वीकार करने का कारण बना, ये एक कथन है। और उसके लिए कारण दिया गया है, कृषि में कीड़े मकोड़ों और कीटों की हत्या होती है। ठीक, कथन को आपको कारण से रिलेटेड करना है, यानी ये क्या कारण है इस चीज का, इस चीज को आपको ध्यान से देखना है, थोड़ा सा विचार कीजिए, क्योंकि अभी आगे चलकर भविष्य में जो प्रश्न आपके तैयार होंगे कुछ इस प्रकार के कथन और कारण वाले भी आपको देखने मिलेंगे। एक तो सत्य असत्य वाला और कुछ कूट वाले प्रश्न आपको देखने मिलेंगे ही, बट इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। थोड़ा सा विचार करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, तो यहां पर जो क्वेश्चन है आपके पास, जैन धर्म में कथन दिया गया है, अहिंसा पर बल देना ही कृषकों द्वारा जैन धर्म को स्वीकार करने का कारण बना। तो देखिए, कारण जो बोला है कि कृषि में कीड़े मकोड़ों की, कीटों की हत्या होती थी, ये जैन धर्म में कहा गया था कि आप अहिंसा का पालन करें, पहला चीज ये समझिए, जैन धर्म में कहा जाता था अहिंसा का पालन करें, और अहिंसा का पालन करने के लिए किसानों को भी कहा जाता था, और किसानों को कहा गया कि आप कृषि ना करें, ये जैन धर्म में पॉइंट था कि आप खेती किसानी ना करें, और खेती किसानी या कृषि होने के कारण छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनकी हत्या हो जाती है। आप देखे भी होंगे कि भाई जो जैन मुनि हैं जो रास्ते पर चलते हैं, दिगंबर हो या श्वेतांबर, वो अपने सड़क मार्ग को, रास्तों को भी साफ करते चलते हैं ताकि उनके पैरों में
पैरों में कोई छोटे मोटे जो कीड़े हैं वो ना आ जाए। इसी कारण से उन्होंने क्या किया, कीड़ों की जो मृत्यु होती है या खेती किसानी में किसी जानवर की जीव की छोटे छोटे जीवों की डेथ होती है उसके बारे में उन्होंने कहा था। ठीक, तो ये कारण कहीं ना कहीं सही है कीड़ों की हत्या। परंतु यहां पर देखिए जैन धर्म की अहिंसा पर बल देना ही, अहिंसा पर बल दे रहे हैं बट कृषकों द्वारा जैन धर्म को स्वीकार न करने का कारण बना। ठीक है, यहां पर हिंसा होती थी, कीड़े मरते थे यानी हिंसा होती थी। इस कारण से तो जैन धर्म वाले कह रहे हैं कि भाई आप स्वीकार ना करो। तो यहां वाली लाइन को स्वीकार को देखिए कि कृषक जो है जैन धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट आप समझिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कथन आपका करेक्ट है कि जैन धर्म में अहिंसा होने के कारण कृषक जो है स्वीकार नहीं कर पा रहे जैन धर्म, कथन सही है। इसके अलावा कारण यह था कि कृषि में हिंसा होगी, कीड़े मकोड़े वाला जो लाइन है उसका अर्थ है हिंसा होगी, इसी कारण से यहां पर कृषक नहीं जुड़ रहे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और अभिकथन की व्याख्या कारण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपको आगे देखने मिलेंगे जिसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान थे। ठीक, तो यह प्रश्न मैं आपको एक होमवर्क में दूंगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी मैं जब आपको बौद्ध धर्म बता दूंगा उसके बाद ही आप इस आंसर को डील कर पाएंगे। तो जब ये सेशन एंड होगा तब आप इस प्रश्न को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आंसर क्या होगा इसे आप बता देंगे। यहां से आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म के प्रश्न आने चालू हो चुके हैं। ठीक, तो अब हम जैसे कि हमारा जो क्रम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का और क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ जो हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं उसमें पूरे सब्जेक्ट को भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानना है वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही हमें कंप्लीट करना है। ठीक, तो जैसे मैंने जैन धर्म की शुरुआत की थी, जैन धर्म को जाना था, जैन धर्म में जो संस्थापक हुए उनके बारे में जाना, वैसे ही बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं, फिर इस प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में अब हमें पढ़ना है बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में हम देखें तो हम जिनके बारे में जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में हमको जानना होता है, महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक, महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध ही संस्थापक है, महात्मा बुद्ध ही रियल फाउंडर है, वास्तविक संस्थापक। ठीक, जैसे आप जैन धर्म में देखते हैं कुल 24 तीर्थंकर हुए जिसमें संस्थापक के रूप में हम ऋषभदेव को कहते हैं, वास्तविक संस्थापक में महावीर स्वामी को नाम देते हैं। परंतु यहां बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, बौद्ध धर्म में आप केवल और केवल महात्मा बुद्ध के बारे में ही जानते हैं, यही शुरू है यही अंत है। ठीक, यानी शुरुआत भी यही करेंगे और आगे चलकर इनके बाद कोई महात्मा बुद्ध की तरह नहीं भी हो पाता। ठीक, जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, वैसे यहां पर कोई तीर्थंकर आपको देखने नहीं मिले। चलिए, तो जैसे हमने जाना था महावीर स्वामी के बारे में, उनका जीवन परिचय देखा था, वैसे ही जीवन परिचय महात्मा बुद्ध के बारे में हम देखने वाले हैं। क्लियर है, तो यहां पर महात्मा बुद्ध के अगर हम वास्तविक नाम को देखें, रियल नाम इनका क्या था, सबसे पहला तो यही है कि वास्तविक नाम क्या था। याद होगा मैंने महावीर स्वामी के बारे में आपको बताया था कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है और महात्मा बुद्ध के रियल नाम जो हमें मिलता है वह भी क्या मिलता है, सिद्धार्थ मिलता है। तो यहां पर इनका जो वास्तविक नाम था वह था सिद्धार्थ। ठीक, साथ ही साथ इनके अगर जन्म की बात करें तो जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में है, यहां इनका जन्म हुआ, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म। क्लियर है, यहां पर आपको दो ईयर नहीं मिलेंगे, 563 मतलब 563, जैसे महावीर स्वामी के केस में था
कि आपको 540 और एक 599 599 ईसा पूर्व आपको देखने मिला। यहां पर इनके बर्थ संबंधित या जन्म संबंधित आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, 563 ही आपको याद रखना है। साथ ही साथ बार बार मैं आपको एक चीज इंडिकेट कर रहा हूं ये जो ईसा पूर्व लिखा हुआ है या बीसी लिखा हुआ है इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि हम अभी ईसा पूर्व में चल रहे हैं। ठीक, जन्म के बाद अगर हम बात करें इनके पिता की, इनके पिता की, पिता का नाम था सुद्धोधन, पिता का नाम था सुद्धोधन जो शाक्य कुल से थे। सुद्धोधन जो शाक्य कुल से थे, पिता सुद्धोधन शाक्य कुल से, और इनकी माता की अगर बात करूं मैं, माता, ठीक, इनकी दो माताएं हूं, एक जिन्होंने इनको जन्म दिया और एक जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। ठीक, तो जन्म देने वाली जो माता है, जन्म देने वाली माता, उनका नाम था महामाया, महामाया। ठीक, वहीं जो फॉस्टर मदर है इनकी या पालन पोषण करने वाली माता, ठीक, क्योंकि जन्म होते ही इनकी माता की मृत्यु हो गई, तो पालन पोषण करने वाली जो इनकी माता हुई उनका नाम हमें मिलता है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, ठीक, महामाया जन्म देने वाली माता, पालन पोषण करने वाली माता प्रजापति गौतमी। यही हम देखें कि जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म होने के बाद जैसे हम देखे थे महावीर स्वामी के समय में कि कुछ पंडितों के द्वारा उनकी भविष्यवाणी की गई थी, वैसे ही महात्मा बुद्ध के कौंडिल्य नाम के एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि ये आगे चलकर संन्यास ले लेंगे या तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे, ये बात निकल कर आई, परंतु ज्यादा संभावना जो व्यक्त की गई थी वो संन्यास की ही की गई। तो वही बात से जो राजा है जिनका नाम है सुद्धोधन, सुद्धोधन के मन में एक डर था कि मेरा पुत्र संन्यास ना ले ले, इसी कारण से उन्होंने हमेशा सिद्धार्थ को महल के अंदर रखा, महात्मा बुद्ध को हमेशा महल के अंदर रखा और जितनी भी सुख सुविधाएं थी उनको महल के अंदर ही प्रदान की गई और इनका भी विवाह जल्द कर दिया गया। इनकी जो पत्नी का नाम था, पत्नी उनका नाम था यशोधरा, यशोधरा, वहां उनकी पत्नी का नाम क्या था यशोदा और यहां पर इनकी पत्नी का नाम है यशोधर। मैं दोनों चीजों को बार बार कंपेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप कभी पढ़ें तो जैन धर्म एक तरफ बौद्ध धर्म दोनों के जीवन परिचय को साथ रखकर पढ़ें, वरना ये जो कंफ्यूजन है ये हमेशा बना रहेगा कि कौन किनकी माता है कौन किनके पिता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बार बार एक चीज पर थोड़ा सा फोकस करवा रहा हूं। और यहां पर देखिए इनकी पत्नी का नाम क्या मिल रहा है हमें, यशोधरा। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे यह था कि मैंने बताया कि इनकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि ये संन्यास लेने वाले हैं, राजा को जो डर था उसके कारण राजा ने पूरी तैयारी कर दी थी कि ये जो इनको पूरी जो सुख सुविधाएं मिलनी है वो कहां मिले, महल के अंदर मिले और ये कभी महल से बाहर ना जाए। ठीक, तो एक बार इनके मन में आया कि मुझे महल के बाहर जाना है और महल के बाहर जाने के बाद जो लोग हैं उनसे मिलूं या आसपास के वातावरण के देखूं, ये इनके मन में इच्छा जाही और उस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने एक बार सारथी को कहा और सारथी के साथ उन्होंने बाहर निकलने का एक प्रयास किया। ठीक, तो यहां पर हमें उनके सारथी का नाम भी जानना होगा और सारथी होगा तो एक आपका घोड़ा भी होगा, ठीक है, रथ को चलाने वाला घोड़ा, क्लियर, सारथी और एक घोड़ा। सारथी की अगर बात करें तो सारथी का नाम था चन्ना और घोड़े का नाम था कंथक। ठीक, तो ये चन्ना और कंथक के साथ एक बार राजमहल से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद
जो सिद्धार्थ को, मैं सिद्धार्थ नाम लूंगा, थोड़ा ध्यान देंगे, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूं तो महावीर स्वामी के पिता के नाम नहीं ले रहा हूं, इनका वास्तविक नाम ले रहा हूं, क्योंकि जब तक ये संन्यास नहीं लिए हैं, जब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक ये महात्मा बुद्ध नहीं कहलाने वाले। याद रखिए, महात्मा बुद्ध अभी नहीं कहलाएंगे, ठीक। तो ये एक बार अपने सारथी और घोड़े के साथ निकले, और निकलने के बाद इन्हें बाहर राजमहल के बाहर चार घटनाएं या चार दृश्य इनको दिखे, ठीक। अब चार दृश्य कौन कौन से दिखते हैं, ये इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, इस चीज को आप समझिए, ठीक, क्योंकि यही तो सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बनाएगा, ठीक। महात्मा बनने की कहानी आसान नहीं है। आपको लगता है कि भाई अपन दो लाइन पढ़े और दो लाइन पढ़ने के बाद बोल दी कि हाँ सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गए, ये इसी टाइम की बात, ठीक, ऐसा नहीं। एक संघर्षपूर्ण जो समय चलेगा उसको ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, वरना इतना सब पढ़ाने का मतलब नहीं होता, ना इतनी सब कहानी बताने का कोई मतलब। आप सिंपल बुक पकड़ते, वन लाइनर आप पढ़ लेते, चले जाते, ठीक, चीजों को समझ। अब यहां पर सिद्धार्थ को चार दृश्य दिखते हैं, जिसमें सबसे पहले उन्हें एक बीमार व्यक्ति नजर आता है, ठीक। यह बीमार व्यक्ति जो है थोड़ा झुका हुआ, थोड़ा खांस रहा होता है, जिसे देखकर सिद्धार्थ के मन में प्रश्न आता है, और प्रश्न होने के बाद वो पूछेंगे सारथी को अपने कि ये जो बीमार व्यक्ति है या ये जो व्यक्ति जा रहा है, ये कौन है, ये ऐसा झुका हुआ इसका शरीर क्यों है, ऐसा क्यों लग रहा है कि आम इंसानों की तरह नहीं। तभी यहीं पर उनके जो सारथी वो बताते हैं, महाराज ये एक क्या है, बीमार व्यक्ति है, और इसके शरीर में बहुत सारी व्याधियां हैं, इस कारण से क्या है ये थोड़ा परेशान है, और उसी के कारण इसका शरीर थोड़ा झुक गया है, ठीक। तो पहला उन्होंने देखा एक दृश्य, वह था बीमार व्यक्ति का। उसके बाद वह देखते हैं दूसरा एक दृश्य, जो था एक बूढ़े व्यक्ति का। दूसरे दृश्य में रहते हैं एक बूढ़े व्यक्ति, ठीक। बूढ़ा व्यक्ति यानी कि जब वो जिस व्यक्ति को देखे तो उनको तो अभी पता नहीं ना, वो तो राजमहल के अंदर थे, राजमहल के अंदर उन्होंने उनको सब चीजों से, सब बुराइयों से, सब ऐसे चीजों से उनको दूर रखा गया था, जिससे उनके मन में संन्यास की विचार आते, ऐसे चीजों से दूर रखा गया, है ना। तो यहां पर ये व्यक्ति दिख रहा है, एक व्यक्ति जो जा रहा, लाठी पकड़ा हुआ है, बाल पक गए हैं, ठीक, चेहरे पर झुर्रियां हैं, इस प्रकार का व्यक्ति दिखता है। फिर एक प्रश्न कि ये कौन है, तो फिर सारथी बताए ये क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, ये जीवन के उस पड़ाव पर है जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं, और इसके बाद ये जीवन इसका खत्म हो जाए। तो यहां पर उन्होंने बताया कि ये क्या है, बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है। बूढ़ा व्यक्ति। तीसरा, बूढ़े व्यक्ति से आगे बढ़े तो एक जगह सफेद चादर लिपटा हुआ एक व्यक्ति था, जिसको बहुत सारे लोग घेरे हुए थे। अब इस चीज को देखकर फिर मन में क्वेश्चन, सवाल का जवाब चल ही रहा है ना, सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब दिया है, ऐसा ही चल रहा है, ठीक। हमारा जैसा एमसीक्यू सीरीज है, मैं सवाल करते जा रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जा रहे हैं, वैसे ही है, इनका भी क्वेश्चन चलता जा रहा है, वो जवाब देंगे। अब यहां पर जब वो देखते हैं सफेद वस्त्र में लिपटे हुए उस मनुष्य को, तो बोलते हैं ये लोग इस सफेद वस्त्र में लिपटे हुए मनुष्य क्यों देख रहे हैं, क्या हो गया इसको। तो यहां पर उनका जो सारथी है वो बताता है कि भाई ये मनुष्य लेटा हुआ जो मनुष्य है, ये पूरा का पूरा लेट गया है, मतलब इसकी मृत्यु हो गई भाई, है ना, इसकी जीवन लीला समाप्त तो हो गई है, और ये क्या है, मृत शरीर है, मृत शरीर है, ठीक। इस बारे में उन्होंने बताया, और इस मृत शरीर को देखने के बाद फिर सारथी उनको आगे ले गया। आगे ले जाने के बाद अगला एक और दृश्य, जिसमें एक जो व्यक्ति था पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे आंख बंद किए हुए, बिल्कुल इत्मीनान से, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, आराम से बैठा हुआ है। उस व्यक्ति को देखकर फिर प्रश्न कि ये व्यक्ति कौन है, तो बोले ये व्यक्ति जो है अपने घर बार को छोड़कर आ गया है, बिल्कुल जंगल में आ गया, वानप्रस्थ जीवन की ओर बढ़ चुका है,
और यह है एक सन्यासी व्यक्ति जिसने माया मोह का पूरा जीवन त्याग दिया। तो ये क्या था? एक सन्यासी था। तो उन्होंने क्या देखा? एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। ठीक। तो ऐसे चार दृश्य उस दिन जब सिद्धार्थ अपने राजमहल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं, और चारों दृश्य को देखने के बाद ही इनके मन में जो सवाल आता है वो यही आता है कि शरीर को अगर बीमार पड़ना ही है, शरीर को बूढ़ा होना ही है, शरीर को कभी ना कभी मृत होना ही है, तो मैं इस शरीर को इस राजमहल में, इस सुख सुविधाओं में क्यों रखा हूं? बस यही क्यों वाला सवाल जो कौंडिल्य ऋषि ने जो भविष्यवाणी की थी, और राजा को जो डर था वो डर आगे आगे, और इनके मन में संन्यास की भावना उत्पन्न हो गई। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चार दृश्य इनके जीवन के, जिसको आपको जानना जरूरी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हम चार दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ जो है एक रात पूरा बैग वैग पैक कर लिए कि चलो अब निकलना है, हमको संन्यास लेना है, तो दिन के उजाले में ना सही, रात को ही ना निकले। तो रात को जब वो निकल रहे थे निकलते समय तुरंत एक दासी, राजमहल में दासियां होती है पता ही आपको, तुरंत एक दासी दौड़ते दौड़ते आई, महाराज 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 कहा हुए? ठीक। तो यहां पर जब वो पूछे तो बताए भाई आपका पुत्र हुआ है। दृश्य समझिए, दासी आई है बताई है, इधर सिद्धार्थ आगे निकल गए हैं सन्यास के लिए, अब टारगेट तो है सन्यास का, सन्यास लेना ही है मेरे को, किसी भी हालत में मैं नहीं रुकने वाला, ये तो वो सोच लिए ठान लिए। ठीक, तो सन्यास लेना ही है उनको, तो सन्यास लेने से रुकने नहीं वाले हैं, ये चीज तो कंफर्म। तब उनके मन में आया कि पुत्र होने की खुशी तो है, परंतु क्या है ये मेरे लिए एक बाधा की तरह, मैं आगे बढ़ रहा हूं सन्यास के लिए, और एक जो मेरा परिवार है वो भी बुला रहा है। तो वो जो सन्यास का जो उनके मन में भाव था वो तो आगे उनको जाना ही था, इस कारण से उन्होंने एक मन में उनको लगा ये बाधा है मेरे लिए, और ये मेरे लिए राहु की तरह है, और कहीं ना कहीं ये शब्द जो है दासी ने सुना तो उनको लगा राजा ने नाम दिया है, और पड़ गया पुत्र का नाम राहु। ठीक, तो यहां पर इनके पुत्र का नाम हमें जो मिलता है महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। ठीक, इसके बाद ये अपने सारथी और घोड़े के साथ निकल पड़ते हैं और अपने घर को छोड़ देते हैं। ठीक, तो इन्होंने जो गृह त्याग किया था, सिद्धार्थ ने जो गृह त्याग किया वह किया 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग कर दिया। डन। ठीक, घर छोड़ने के पश्चात जब वो आगे निकले, क्योंकि उन्होंने महाराज या राजाओं के जो कपड़े पहने थे उसे एक नदी के पास उन्होंने उतारा, और उस नदी का नाम था अनुमा नदी, उस अनुमा नदी के पास उन्होंने वस्त्र उतारा, और वस्त्र उतारने के बाद उन्होंने अपने सारथी को वस्त्र दे दिए और कहा कि आप यहां से चले जाइए, और उस नदी के बाद वो आगे बढ़ चले। बढ़ने के बाद ऐसा था कि संन्यास तो वो लेने वाले हैं, परंतु ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, ये उनके लिए एक समस्या थी। और समस्या का हल, हर समस्या का हल कौन देगा? गुरु देगा। समझ में आ रहा है? हर समस्या का हल कौन देगा? गुरु। तो इनको भी एक गुरु की जरूरत थी। तो सबसे पहले इन्होंने गुरु बनाया। तो इनके प्रथम गुरु के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। इनके प्रथम गुरु थे जिनका नाम था रुद्रक राम। ये योग दर्शन के प्रतिपादक, योग दर्शन से जुड़े हुए थे। ठीक, रुद्रक राम ने इन्हें योग की शिक्षा दी। तो प्रथम गुरु कौन? रुद्रक राम, जो इन्हें योग की शिक्षा दी। इसके बाद इनके द्वितीय गुरु बने आगे चलकर, द्वितीय गुरु जिनका नाम था अलार कलाम। और अलार कलाम ने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी।
और दोनों गुरुओं से कुछ शिक्षा प्राप्त करके ये आगे निकल गए, क्योंकि अभी भी इनके मन में कुछ सवाल थे जिसके जवाब इनको चाहिए। ठीक, आगे निकलने के बाद एक जगह वह बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं। जब वो बहुत ही कठिन तपस्या कर रहे होते हैं, तब भी उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होनी थी या जो मोक्ष की तलाश में जो निकले थे वह नहीं प्राप्त हो। ठीक, तब जाकर उन्हें एक छोटी सी बालिका होती, वह छोटी सी बालिका सिद्धार्थ को, महात्मा बुद्ध को बताती है कि हे महात्मा, आप जो इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, इस कठिन तपस्या से ज्ञान की मार्ग नहीं प्राप्त होगा या मोक्ष आपको नहीं प्राप्त होगा। आपको ना ही बहुत ही कठिन ना ही बहुत सरल तपस्या करनी। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, उस बालिका ने एक उदाहरण दिया, जैसे वीणा के तारों को अगर बहुत ज्यादा कस दिया जाए तब भी स्वर अच्छे नहीं निकलते, और बहुत ज्यादा ढीला भी छोड़ दिया जाए तो स्वर अच्छे नहीं निकलते। स्वर निकलते हैं उसे मध्यम रूप में रखना। ठीक, तो यहीं पर महात्मा बुद्ध को मध्यम मार्ग का एक संदेश प्राप्त हुआ और इसके बाद आगे चलकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो महात्मा बुद्ध को गृह त्याग के 6 वर्ष के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो यहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति पैंतीस वर्ष की उम्र में। ठीक, स्थान होगा एक नदी का किनारा, जैसे हमने देखा था महावीर स्वामी के केस में जंबिक ग्राम था, वहां पर साल वृक्ष था, वैसे यहां पर हमें मिलेगी फल्गु नदी। ठीक, तो यहां पर हमें देखने मिलेगा निरंजना या फल्गु नदी भी कहा जाता है, फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। निरंजना या फल्गु नदी के किनारे इन्हें क्या होगी, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होगी। 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, इसके पश्चात हमको देखने मिलेगा कि ये अपना प्रथम उपदेश देंगे सारनाथ में पांच शिष्यों को ये संदेश देंगे। और सारनाथ पड़ेगा कहां, उत्तर प्रदेश में सारनाथ में ये अपने 5 शिष्यों को यहां पर उपदेश देंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है कि सर्वाधिक उपदेश मैक्सिमम सर्मन या उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था, तो वो स्थान है श्रावस्ती में इन्होंने क्या किया था, मैक्सिमम उपदेश या सर्वाधिक उपदेश दिए थे। 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, पहला उपदेश उन्होंने कहां दिया, सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां दिया, श्रावस्ती में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम अगर बात करें इनकी मृत्यु की, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु होगी 80 वर्ष की उम्र में। तो लगाइए कैलकुलेशन, जैसे हमने कैलकुलेट किया था महावीर स्वामी के केस में, इनका जन्म बताइए कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में ये इनका जन्म। तो 80 वर्ष के बाद, क्योंकि देखिए कैलकुलेट इसलिए करने बोल रहा हूं क्योंकि कई लोग ईसा पूर्व में जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो वहीं गलती हो जाएगी, इसीलिए इस चीजों को बताया जा रहा है।
तो इनकी मृत्यु होगी 483 ईसा पूर्व में मृत्यु, ठीक है। और मृत्यु का जो स्थान है वह है कुशीनगर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी क्या होगी मृत्यु हो। ले रहे यहां तक चीजें, तो ये क्या था इनका जीवन परिचय। जैसे हमने जैन धर्म में महावीर जैन का देखा, महावीर स्वामी का देखा, वैसा ही जीवन परिचय इनका था, ठीक। एक एक चीजों को बारीकी से आपको समझना है और जानना है, यही हमारा उद्देश्य है। और बोला भी गया है कि संपूर्ण सिलेबस मतलब संपूर्ण सिलेबस, ठीक। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इन चीजों को देखते चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपसंबदा पद के अर्थ में असत्य कथन नहीं, असत्य कथन नहीं। देखिए ये लाइन कभी भी आपको मिलता है, असत्य कथन नहीं है, इसका अर्थ है कि यह पूछा है कि सत्य कौन सा है, ठीक है। यह ऐसा लाइन कभी मिले तो आप ध्यान रखिएगा, यह पूछ रहा है सत्य कौन सा है। इस प्रकार के लाइन आपको वर्ड देखने मिलेंगे। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु, बौद्ध संघ से निष्कासन, बौद्ध संघ में प्रवेश, या भिक्षुणियों का संघ। तो यहां उपसंबदा का अर्थ एक्चुअल में होता है और सत्य की बात कर रहा है तो वो अर्थ होता है बौद्ध संघ में प्रवेश, जिसे उपसंपदा कहा गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो यहां पर अभी अभी हम लोग पढ़ा 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ, ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, छोटा सा जरूर है बट इन चीजों को मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, वहां पर आप ध्यान से समझिएगा। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की अगर बात कर रहा है तो सबसे पहले सिंपल लाइन में बताऊं तो ये पूछ रहा है क्या मृत्यु के बारे में, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बारे में। और मृत्यु के बारे में मैंने बताया कि मृत्यु कहां हुई थी, कुशीनगर में, कुशीनगर में। वहीं अगर ज्ञान की प्राप्ति अगर कभी पूछ लेता तो आप बोलते बोध गया में, ये बोध गया जो बिहार में पड़ता है, बोध गया जो बिहार में पड़ता है वहीं इन्हें क्या हुई थी ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक। अब इन चीजों को समझना, ये मैं यहां पर एक पॉइंट आपको, बहुत अच्छा एक पॉइंट है जिसको आप ध्यान समझेंगे, ठीक। चलिए पहले आंसर टिक कर देता हूं मैं यहां पर, कुशीनगर। देखिए यहां पर आपको एक शब्द मिल रहा है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। मैंने बताया कि महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है, मृत्यु, ठीक। ध्यान समझिएगा, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे कहा गया निर्वाण, क्या कहा गया निर्वाण, ठीक। इसके अलावा जब किसी भी बौद्ध धर्म के अनुयायी या महात्मा बुद्ध या और कोई बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है उनकी अगर डेथ होती है तो उसे कहा जाता है परिनिर्वाण, क्या कहा जाता है परिनिर्वाण, परिनिर्वाण, ठीक है। याद रखिएगा ये वर्ड ऐसा यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्वर्गीय हम लोग, आप नॉर्मल आप देखे होंगे बड़े बुजुर्ग आपके यहां जब इनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उनके नाम के आगे हम लोग लिखते हैं स्वर्गीय। सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में हमें यही देखने मिलता है, स्वर्गीय रामकिशन, राम यादव, इस प्रकार से नाम लिखा होता है। परंतु बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का स्वर्गीय वर्ड यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो स्वर्ग नरक जैसा चीज नहीं मानते, ठीक। तो वहां पर आपको वैसे शब्दावली नहीं मिलती, तो यहां पर यूज किया जाता है परिनिर्वाण मृत्यु के लिए, परिनिर्वाण मृत्यु के लिए और निर्वाण ज्ञान के लिए, ठीक। तो आप बोलोगे सर अभी आपने लिखा महापरिनिर्वाण मृत्यु के लिए और यहां बता रहे हैं परिनिर्वाण मृत्यु के लिए, तो कौन सा करेक्ट है। तो ध्यान समझिएगा, मैंने बोला कि भाई बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के अलावा भी उनके शिष्यों को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी तो उनको निर्वाण मिला, और उनके शिष्य जब उनकी डेथ हुई होगी तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, परिनिर्वाण। परंतु समझने वाली बात यह है कि महात्मा बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो है, ये क्या है, संस्थापक है, इन्होंने ही क्या किया है, शुरुआत की है। इन्हीं चीजों को अलग करने के लिए, इनकी मृत्यु को अलग करने के लिए हमने क्या बोला, उसे महापरिनिर्वाण बोला,
इसीलिए विशेष रूप से हम जो ये शब्द यूज करते हैं महापरिनिर्वाण, केवल और केवल महात्मा बुद्ध के लिए, गौतम बुद्ध के लिए यूज करते हैं, किसी अन्य के लिए आज तक यूज नहीं किया गया। किसी और के लिए यूज करना है तो परिनिर्वाण बोलेंगे, बट महापरिनिर्वाण किसी के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में से इस परंपरा का समर्थन होता है? लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान। ठीक है, कहां से जानकारी मिली है उसे आपको पूछा। ठीक, बहुत सरल सा प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए कौन सा आंसर होना चाहिए बताइए। ठीक, ठीक, लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है, यह जानकारी मिलेगी मौर्य के समय में। मौर्य काल में आप देखेंगे कि अशोक जो थे बौद्ध धर्म का पालन करते थे, और बौद्ध धर्म के पालन करने के साथ साथ उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक, तो इसमें क्या आएगा? मौर्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक बौद्ध मत निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण, ठीक, निर्वाण की व्याख्या करता है बताइए। तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, परमानंद विश्राम की स्थिति, या धारणादि मानसिक अवस्था। ठीक, निर्वाण के बारे में कहा जा रहा है। निर्वाण जैसे मैंने बताया ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति मतलब आपको माया मोह के जीवन से आप बाहर निकल गए, उसी चीज को कहा गया है तृष्णा रूपी। तृष्णा मतलब लालच, तृष्णा रूपी लालच का जो दमन हो गया, समाप्त हो गया, वही क्या है? निर्वाण। और ये कहीं ना कहीं सही व्याख्या इसकी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किनके नेतृत्व में हुई? किनके नेतृत्व? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। ठीक, अध्यक्षता पूछा है, शासन नहीं पूछा है, इस चीज को ध्यान दीजिए, अध्यक्षता पूछा है। ठीक, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? महाकश्यप। महाकश्यप, ठीक, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई। क्लियर है? ठीक, चलिए। अब जैसे हमने देखा था कि भाई महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई थी 483 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु के बाद अब जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होना है, जैन धर्म मैंने बताया था, यहां पर भी प्रचार प्रसार होना है, और ये प्रचार प्रसार होगा कैसे? संगीति के माध्यम से। बताया था मैंने कि भाई कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ बैठक करेंगे, कहीं कहीं कॉन्फ्रेंस करेंगे, सम्मेलन करेंगे, कथाएं करेंगे, कथावाचक होंगे, तो सब चीजें होंगी, वैसे ही आपको देखने मिलेगा संगीत। तो अब हम लोग जानेंगे संगीति के बारे में, और संगीति कौन सी? बौद्ध संगीति के बारे में, बौद्ध संगीति के बारे में। और बौद्ध संगीति में हमें कुल 4 बौद्ध संगीति देखने को मिलती है। ठीक, तो जैसे हमने पढ़ा था जैन धर्म में, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में इन संगीतियों के बारे में। ठीक, तो कुल हमें यहां अगर क्रम की बात करूं तो आपको यहां पर 4 संगीतियां देखने को मिलेंगी। ठीक, यहां पर आपको कितनी संगीति मिलेंगी? 4 संगीतियां। ठीक है, चलिए, तो बौद्ध संगीति में 4 संगीति देखने मिलेगी। लिखने का क्रम वैसा ही है, क्रम लिखेंगे, फिर जानेंगे किस वर्ष में ये हुआ, फिर जानेंगे हम ये किस स्थान में हुआ, अध्यक्ष के बारे में जानेंगे कौन अध्यक्ष रहेगा, इसके अलावा हम जानेंगे कौन सा राजा यहां पर था। इन 4 बिंदुओं पर हमेशा चर्चा करनी होगी, यहां से एक क्वेश्चन आना श्योर है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले संगीति अगर मैं बात करता हूं, ठीक, तो वो होगा जस्ट जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष, यानी मृत्यु कब हुई? 483 बिफोर क्राइस्ट या BC ईसा पूर्व में। तो यहां पर हमको देखने मिलेगा पहला जो बौद्ध संगीति हुआ वह हुआ 483 ईसा पूर्व में। ठीक, स्थान की अगर मैं बात करूं
उस समय मगध साम्राज्य की शुरुआत हो गई थी और मगध साम्राज्य की एक राजधानी हुआ करती थी राजगृह, राजगृह। तो यहां पर आपको देखने मिलेगा पहला जो संगीति हो रहा है वह है राजगृह। अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो अध्यक्ष होंगे महाकश्यप, महाकश्यप अध्यक्ष के रूप में देखने मिलेंगे आपको महाकश्यप, महाकश्यप। और महाजनपद काल में जिस पहले वंश के पहले एक राजा हुए उनका नाम था अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक, अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता की गई और पहली बौद्ध संगीति यहां पर हमको देखने में। ठीक, अगला जस्ट 100 साल बाद आ जाइए, 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में, 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में यह भी होगा बिहार के वैशाली में, बिहार के वैशाली में पहला हुआ राजगृह में, दूसरा हुआ वैशाली में। और अध्यक्ष आपको जो देखने मिलेंगे वो होंगे सभा कमीर, सभा कमीर। क्लियर, दूसरे अध्यक्ष यहां पर देखने मिले सभा कमीर। क्लियर, ठीक। राजा की अगर मैं बात करूं तो राजा रहेंगे काला सो, काला सो। क्लियर, ये राजा के बारे में चिंता ना करें, जब हम महाजनपद काल पढ़ेंगे तो एक एक राजा के बारे में हम सब चीजों को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है कि भाई एमसीक्यू के माध्यम से जो आपको कंप्लीट सिलेबस करवाना है वो चीजें होंगी, पूरी होंगी। तो यहां जो नए नए राजा के नाम देख रहे हैं, अजात शत्रु के बारे में पढ़ रहे हैं या कालासुख के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक एक को आपको बताया जाएगा। ठीक, अजात शत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति और कालासुख के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व और 250 ईसा पूर्व में वर्तमान पटना के यानी पाटलिपुत्र की अगर चर्चा करें तो वहां पर होगा तृतीय बौद्ध संगीति और यहां पर होंगे मोगली पुत्र तीस अध्यक्ष के रूप में, मोगली, मोगली पुत्र तीस। ठीक, ये जो भाषा आपको देखने मिल रही है वो एक्चुअल में पाली भाषा है, पाली। थोड़ा अगर हम लोग हिंदी का यूज करें तो उसमें क्या है, मोगली है, एक्चुअल में पुत्र क्या है, पुत्र है, और वो कौन है, तीस है। ठीक है, ये जैसे महाकश्यप आप देख रहे हैं एक्चुअल में महाकश्यप है, महाकश्यप जो वर्तमान में कश्यप कहते हैं वो महाकश्यप लिखा। ठीक, अब अगर यहां पर तृतीय बौद्ध संगीति में जब आते हैं 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तीस, तो राजा यहां पर थे महान। ठीक, यहां पर 250 ईसा पूर्व में हमें महान मौर्य वंश के एक राजा जिनका नाम था अशोक। ठीक, याद करना इजी है, अजात शत्रु, काला अशोक, काला को हटा दीजिए बचा अशोक, यहां पर अशोक तीसरा नाम हुआ क्या, अशोक। ठीक, चौथे में आइए, चौथे में, तो चौथे में याद रखिएगा, कोई ईयर याद नहीं रखना है, ये होगा फर्स्ट सेंचुरी में, प्रथम शताब्दी में, ईयर याद नहीं रखना है आपको, बस लिखना है फर्स्ट सेंचुरी प्रथम शताब्दी। और प्रथम शताब्दी यानी इस शताब्दी में होने वाला स्थान की अगर बात करें राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र तीनों कहां पड़ेगा, बिहार में, बट ये आखिरी वाली बौद्ध संगीति चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार में ना होकर बाहर होगी और बाहर होगी कश्मीर में। तो ये स्थान है कुंडल वन, कुंडल वन कहां पड़ेगा, कश्मीर में, कुंडल वन कश्मीर में, यहां पर चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। इसके अलावा यहां अध्यक्ष की बात करूं, अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं मोगली पुत्र तीस के बाद, तो यहां पर अध्यक्ष के रूप में आपको देखने मिलेंगे वसुमित्र, वसुमित्र। साथ ही साथ उपाध्यक्ष भी इस अधि यहां पर संगीति में थे, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का नाम भी आप याद रखेंगे, यहां पर जगह बना लेते हैं थोड़ा सा, अध्यक्ष का नाम है आपके पास वसुमित्र और उपाध्यक्ष का नाम मिलेगा आपको अश्वघोष, अश्वघोष। ये दोनों नाम को आपको ध्यान रखना है, ये प्रेसिडेंट थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष के रूप में कौन थे, अश्वघोष थे। और राजा की अगर बात करें तो राजा था कनिष्क, राजा था कनिष्क। डन है यहां तक चीजें। ठीक, ये हो गई आपकी पूरी बौद्ध संगीति,
बौद्ध संगीति में आप देख रहे हैं पहला हो रहा है राजगिरी में, दूसरा हो रहा है पाटलिपुत्र में, दूसरा हो रहा है वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष के नाम भी याद करते चलेंगे, महाकश्यप, सभा कमीर, भोगलीपुत्र, वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में, अश्वघोष राजा में, अजाशत्रु, कालासो, अशो, कनिष्क। रट डालो, रट डालो, छोड़ना नहीं, रटना है, याद करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन घुमा देगा, एक क्वेश्चन घुमा दिया था, ये वाला क्वेश्चन वसुमित्र वाला, वसुमित्र, ठीक। वसुमित्र की जगह लिख दिया था वसुबंधु, अगर किसी छात्र ने पुराना पेपर कभी दिया होगा तो उसको पता होगा, एक नाम आ गया था, ठीक, अध्यक्ष के रूप में यहां पर पूछ लिया था इसमें अध्यक्ष में, वसुबंधु, वसुबंधु, और वसुमित्र का नाम नहीं दिया था, और एक नाम दिया गया था अश्वघोष, अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष के रूप में। यही कंफ्यूजन हो गया बहुत सारे लोगों को, लगा भाई अध्यक्ष वसुबंधु होगा क्योंकि बंधु मतलब क्या होता है, मित्र, लगा दिया लोगों ने वसुबंधु, और वही हो गया गलत। तो याद रखिए, अगर अध्यक्ष का नाम प्रॉपर नहीं दिया गया, वसुमित्र नहीं दिया गया, तो आपको अश्वघोष टिक लगा देना है, यानी उपाध्यक्ष का नाम टिक लगा देना है। समझ गए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चीजों को ध्यान देना है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और वसुबंधु वाला क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग क्षेत्र, ठीक है, समझते जा रहे हैं। क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन के नए पैटर्न भी आपको बताए जा रहे हैं, कहां कहां फंसाया जाता है उसे भी बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझते। चलिए अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बुद्ध में देवरोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। इसमें बताना है कि महायान शाखा के मत में कौन सा सही है, कौन सी विशेषता उपयुक्त में से सही है, क्लियर। देखिए यहां पर बताइए, बुद्ध में देवता बोधिसत्व के बारे में बताया है और मूर्ति उपासना के बारे में यहां पर बात कही गई, कौन सा करेक्ट है इसे आपको बताना है, ठीक, ठीक है। तो यहां पर देखिए, पहला तो बुद्ध के देवत्व रोपण, बुद्ध को देवता की तरह पूजना, ठीक, ये महायान शाखा की विशेषता में आता है। अगला है बोधिसत्व के पद पर चलना, यह भी महायान शाखा की खासियत थी, और मूर्ति उपासना और अनुष्ठान ये भी महायान शाखा की विशेषता में आता है, ठीक। अब ये महायान क्या है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया जाए कि भाई महायान शाखा एक्चुअल में है क्या। पहले मैं आपको आंसर बता दूं कि इसमें का आंसर कौन सा होगा, 1, 2, 3 अगर तीनों सही है तो हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए यहां पर समझिए कि जब जैन धर्म को हम लोग पढ़े थे तो जैन धर्म में भी 2 विचार निकल कर आए थे और 2 विभाजन देखने मिला था, ठीक, वहां पर हमें देखने मिला दिगंबर और श्वेतांबर। और यहां पर बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में याद होगा मैंने बताया था आपको 4 संगीतियां, बौद्ध धर्म में 4 संगीति के बारे में मैंने बताया। ये चौथी जो संगीति थी इसी चतुर्थ संगीति में बौद्ध धर्म 2 पार्ट में टूटा, 2 भागों में विभाजित हुआ था। इसी 2 भाग में एक कहलाया हीनयान, एक कहलाया महायान, क्लियर है, एक कहलाया हीनयान, एक कहलाया महायान, ठीक है। सिंपल सिंपल डिफरेंस, अंतर को समझ लीजिए ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया रहे कि हीनयान महायान क्या होता है, ठीक। कभी कभी विशेषता पर ऐसे कूट वाले जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ऐसे विशेषता पर आपको प्रश्न पूछेगा तो आपको प्रश्न बनने चाहिए, ठीक। हीनयान की अगर मैं बात करूं तो बौद्ध धर्म की वह शाखा, बौद्ध धर्म की वह शाखा जिन्होंने महात्मा बुद्ध के विचारों का पालन किया और महात्मा बुद्ध ने जो बातें कही, परंपरागत जो बातें कही उसका पालन किया, वह शाखा थी हीनयान शाखा। और महायान शाखा जिन्होंने थोड़ा परिवर्तन किया, महात्मा बुद्ध के विचारों में थोड़ा परिवर्तन करके नई चीजें लाई, वो थी महायान शाखा। हीनयान शाखा को हम देखें तो इनका प्रभाव हमें दक्षिण क्षेत्र में मिलेगा, दक्षिण क्षेत्र में हीनयान, ठीक है, दक्षिण क्षेत्र में। नीचे चले जाइए श्रीलंका की तरफ, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, अन्य जो देश है उधर, आपके एशियाई देश भी है, उस तरफ अगर हम ले ले तो दक्षिण क्षेत्र में इनका प्रभाव था,
वहीं अगर हम देखें उत्तर भारत की तरफ या आप वियतनाम या चाइना की तरफ भी जाए तो आपको महायान शाखा का प्रभाव देखेंगे। तो ये कहां मिलेगा आपको? उत्तर क्षेत्र में, नॉर्थ क्षेत्र में इनका प्रभाव मिलेगा। ठीक, हीन यान के बारे में जैसे मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध ने जो बातें कही उसे ये फॉलो करेंगे तो ये मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, सही बात है। आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा ये नहीं करते, आइडल वर्शिप नहीं करेंगे। और ये क्या करेंगे? महायान वाले मूर्ति पूजा करेंगे, महायान शाखा वाले क्या करेंगे? मूर्ति पूजा करेंगे। हीनयान शाखाओं वालों का ज्ञान प्राप्ति के लिए जो मार्ग इन्होंने अपनाया था वो क्या था? कठिन था। इनका मार्ग क्या था? कठिन था। और वहीं महायान वालों में देखेंगे तो ये क्या था? सरल था। ठीक, वैसे अगर देखें हीनयान में तो इन्होंने यहां पर पाली भाषा का प्रयोग किया। ठीक, और इन्होंने भाषा को बदला और संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। ठीक, संस्कृत भाषा। तो ये सिंपल सिंपल कुछ डिफरेंस है, अंतर है, जिससे आप हीनयान महायान को समझ सकते। ठीक, ये दो इनका डिफरेंस है, दो संप्रदाय में विभाजन था, चतुर्थ बौद्ध समिति में हुआ था, ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है सभी छात्र दे सकते हैं, इतनी सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न आप ना बना पाए। यहां पर सिंपल आपको जोड़ी बनाओ बोला है, तो देखिए यहां पर बोला है जन्म कहां हुआ पर, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम वचन, निधन। तो जन्म इनका हुआ बताइए कहां पर जन्म, जन्म कनेक्ट कर लीजिए आप लुम्बिनी में। ठीक, ज्ञान प्राप्ति कहां पर भी बताइए, बोधगया में। प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया सारनाथ में। निधन कहां हुआ? कुशीनगर में। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहां पर? हो जाएगा टू। ठीक है, वन को अपन कनेक्ट किए किसमें? टू में। सेकंड वाला हो जाएगा आप किसमें? सेकंड में ही। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक, यहां देखते जाइए, पहले का ऑप्शन कौन सा आ रहा है? पहले का हमारा ऑप्शन गया थ्री में। उसके बाद आपका सेकंड का ऑप्शन है टू। सेकंड का ऑप्शन टू, थर्ड का ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड का ऑप्शन फर्स्ट, और फोर्थ का ऑप्शन हो रहा है फोर्थ। तो देखिए यहां पर बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त जो आंसर दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक, चलिए अच्छा ये इमेज देखिए, इमेज देखकर आपको कुछ चीजें यहां पर जाननी। आपको एक महात्मा बुद्ध दिख रहे हैं, महात्मा बुद्ध की खड़ी मूर्ति के सामने आपको एक चक्र भी नजर आ रहा है। ठीक, इस चीज को ध्यान समझिएगा। ठीक, ये वो समय है जब महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश याद है, अभी आपका पूछा गया था क्वेश्चन, प्रथम उपदेश कहां दिया गया? तो हमने प्रथम उपदेश कहां टिक लगाया था? सारनाथ में। सारनाथ में, और सारनाथ में जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसे ही कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, याद रखिएगा इस चीज को, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, धर्म चक्र प्रवर्तन। वैसे इनकी मृत्यु क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, और प्रथम उद्देश्य को क्या कहा जा रहा है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना। इस सारनाथ में आपको ऐसे चक्र देखने मिलेगा जो यही दर्शाता है कि क्या दे रहे हैं? उपदेश। कहीं भी अगर चक्र दिखता है मतलब उपदेश की मुद्रा में ये नजर आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके इसमें की गई थी? ये प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं, महाकश्यप ही होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे हैं, यानी मैंने आपको बताया था बोध गया जो है ना, जहां पर इनको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी,
बिहार में, वो निरंजना नदी के तट पर है। ठीक, क्लियर है? जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ते चल रहे हैं उसी के साथ साथ इन चीजों को आपको ध्यान रखना। ठीक, चलिए, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक गांधी जी के तीन बंदर है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, महावीर के तीन नगीने हैं, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक, चलिए, अब जैसे हमने जान लिया महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय को समझ लिया, बौद्ध संगीति को जान लिया, अब कुछ बौद्ध साहित्य पर चर्चा हो जाए, बौद्ध दर्शन पर कुछ चर्चा हो जाए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो हमें त्रिपिटक देखने मिलेंगे, और त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन फलों की टोकरी। तीन फलों की टोकरी, तीन फलों की टोकरी क्यों बोले? कोई फल का टोकरी था? नहीं, ये तो एक पुस्तक है। तो ये था कि जो महात्मा बुद्ध ने जो बातें कही, जो उपदेश दिए, उनका संकलन, उन्हें जो इकट्ठा किया गया उनके शिष्यों के द्वारा किया गया, और उनके शिष्यों ने तीन पुस्तकों का निर्माण किया, जिसमें सबसे पहली पुस्तक है सुत्तपिटक। सुत्तपिटक, दूसरा पिटक है आपके पास विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, यही तीन पुस्तकें त्रिपिटक कहलाई। त्रिपिटक जिसे तीन फलों की टोकरी कहते हैं। सुत्तपिटक में आपको महात्मा बुद्ध के उपदेश मिल जाएंगे, दूसरा विनय पिटक में कि बौद्ध संघ में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो वहां के जो नियम है उसको इस पुस्तक में उनके शिष्यों ने लिखा है, और वहीं अभिधम्म में जब देखते हैं तो उपदेशों की व्याख्या इस अभिधम्म पिटक में की गई। बिल्कुल सिंगल लाइन में आपको जानना है, बहुत ज्यादा डीप आपको जाना नहीं है, पुस्तक के नाम आपको पूछे जाएंगे, टिक लगाना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्थारवादी महायान बौद्ध धर्म के संबंध में है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के द्वैत्व रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, उपयुक्त में से कौन सा सही? ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। दो मिनट का समय है, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है। पढ़िए एक बार, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहां पर पहला जो लाइन है स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान एक लाइन में, यहां ध्यान समझिए, महायान, महायान शाखा में मैंने बताया कि महायान शाखा जो है बौद्ध धर्म में यह परिवर्तनवादी है, यानी महात्मा बुद्ध के जो बातें कही गई उसमें इन्होंने कुछ परिवर्तन किया। मूर्ति पूजा नहीं कहा गया था, मूर्ति पूजा किया इन्होंने। इस प्रकार के परिवर्तन करने के कारण ठीक ये महायान शाखा वाले कहलाए, और जो परंपरागत रूप से महात्मा बुद्ध की बातों को, उपदेशों को फॉलो करते थे उन्हें स्थिरवादी कहा गया। और ये स्थिरवादी जो है एक्चुअल में क्या है, हीनयान शाखा से संबंध रखते हैं। स्थिरवादी किने कहा गया? हीनयान शाखा। तो यहां पर क्या बोला है, क्या स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है? नहीं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म से महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। जी हां, लोकोत्तरवादी जो है परंपरावादी नहीं थे, ये परिवर्तनवादी थे, परिवर्तन चाहते थे। तो लोकोत्तरवादी संप्रदाय जो है महासंघिक, यानी महासंघिक यानी ये महायान की बात कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि तो महायान शाखा परिवर्तन चाहती थी। इसके अलावा महासंघिक यानी फिर से महायान की बात कर रहा है, महायान की, महासंघिकों द्वारा बौद्ध के द्वैत्व रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। द्वैत्व रोपण, ये वर्ड को भी समझिए, द्वैत्व रोपण का मतलब देवता की तरफ पूजना, मूर्ति का निर्माण, देवता की तरफ पूजेंगे मतलब मूर्ति बनेगी, और मूर्ति बनेगी मतलब आप चले जाएंगे कहां? महायान शाखा। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर टू एंड थर्ड होगा। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक
श्रमण और उपासक। परिव्राजक किसे कहा जाता है, श्रमण किसे कहा जाता है और उपासक किसे कहा जाता है। ठीक, इसमें आपको बोला गया है कि ये जो युग्म है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। ध्यान से देखिए, ठीक, परिव्राजक क्या परित्यागी व भ्रमणकारी है, श्रमण क्या उच्च पदों पर युक्त पुजारी है और उपासक क्या बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी है। इन चीजों का आपको बताना है। ठीक, चलिए, परिव्राजक जो होते हैं वो परित्यागी होते हैं, भ्रमणकारी होते हैं, ये करेक्ट है। इसके अलावा श्रमण जो होते हैं उच्च पदों पर प्राप्त पुजारी होते हैं, ये बात गलत है। इसके अलावा जो उपासक होते हैं बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी होते हैं, ये भी करेक्ट है। मतलब एक और तीन सही। ठीक, यहां पर एक ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन को देखिए, ये केवल दो और तीन लिखा हुआ है, इसे कर लीजिए एक और तीन, एक और तीन। यहां पर भी करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करेंगे, एक और तीन। तो यहां पर आपका एक और तीन करेक्ट है और ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो यहां पर क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी, एक और तीन करेक्ट है। ठीक, चलिए अगले जो कुछ प्रश्न है, ठीक, उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके अलावा कुछ जो पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूं यहां पर, और इसके बाद हम आज के सेशन का एंड करेंगे। ठीक, कुछ जो पॉइंट है बौद्ध धर्म संबंधित है उसे आप जान लीजिए, उसके बाद आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, बौद्ध दर्शन में आपको त्रिरत्न मिलेंगे, त्रिरत्न, त्रिरत्न, ठीक, जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न मिले थे यहां पर भी त्रिरत्न मिलेंगे। त्रिरत्न में अगर बात करें तो इनके त्रिरत्न में है पहला बुद्ध, दूसरा संघ, तीसरा धम्म। ठीक, ये शब्द तो आपने सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये इन्हीं त्रिरत्नों से बना है। यानी आपको ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो बुद्ध की शरण में जाइए, परंतु अब अगर बुद्ध जीवित नहीं है तो कहां जाएंगे, तो आप संघ में जाइए, आश्रम में जाइए उनके, वहां आपको ज्ञान की प्राप्ति, वहां जाने के बाद आप धर्म का पालन कीजिए, धर्म यानी कि धर्म की बात की जा रही, इसके पालन की बात कही। इसके अलावा जो आपका ये अंतिम प्रश्न था, आपने जो देखा ये कुछ पॉइंट को डिनोट करता है, इसे मैं आप समझा दे रहा हूं, फिर आप इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ठीक, इनका संबंध है चार आर्य सत्यों से। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में चार आर्य सत्य दिए, पहला था दुख, पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, दुख समुदाय, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, प्रतिपदा। क्लियर है, इस लाइन को एक बार में आप चीजों को समझिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन में क्या है, दुखी दुख है, हर इंसान किसी ना किसी बात से दुखी है। आप भी अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी चीज को पाने के लिए कर रहे हैं, और अभी क्या है, दुखी। अब वो जब पद आपको मिल जाएगा, पद आपको मिल जाता है, ये महात्मा बुद्ध बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं भाई। आपको बोलोगे सर मैं डीसी बनने के बाद भारी खुश रहूंगा, ठीक है, मैं हम लोग मानते हैं कि आप डीसी बनने के बाद आप खुश रहोगे, या आप जिस पद में जाना चाहते हैं वहां जाने के बाद खुश रहेंगे। बट महात्मा बुद्ध का मानना यह था कि भाई आप उस पद में जाने के बाद भी खुश नहीं रहते, वहां जाने के बाद और दूसरी कुछ समस्याएं आ जाती तो फिर आप दुखी हो जाते। तो यानी आपके जीवन में क्या है, दुखी दुख भरा हुआ, ये उनका बोलना था। और उन्होंने दूसरे आर्य सत्य में क्या बताया,
दुख का कारण बताया कि भाई दुख का कारण क्या है, तृष्णा लालच है, जिस लालच के कारण इंसान इस माया मोह के जीवन में है, इसी कारण वो क्या है, परेशान है, वो क्या है, दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध, दुख निरोध यानी इस दुख का निवारण हो सकता है, दुख का निवारण हो सकता है। और दुख के निवारण को बताया उन्होंने चौथे आर्य सत्य में, जिसे हम कहते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, चौथा आर्य सत्य। और इस चौथे आर्य सत्य का संबंध है अष्टांगिक मार्ग से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बनेगा, क्लियर है। इस चौथे आर्य सत्य का संबंध है अष्टांगिक मार्ग से, अष्टांगिक मार्ग से, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है चौथे आर्य सत्य में दिया गया है, और सॉल्यूशन जो मिलेगा आपको कहां मिलेगा, अष्टांगिक मार्ग। ये आठ मार्ग का पालन जो कर लिया उसके सभी दुखों का निवारण हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और है, छोटा सा एक पॉइंट, उसे भी मैं आपको कंप्लीट करा दूं, ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे कुछ पॉइंट है। जैसे मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, उपदेश प्रथम उपदेश, उसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक। दूसरा जो था मृत्यु के बारे में बताया, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में, जिसे कहा गया महापरिनिर्वाण। और तीसरा जो है वह है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, गृह त्याग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस शब्द को पूछेगा। तो यह कहलाता है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक। इसके अलावा एक बिंदु और ध्यान रखिएगा कि आपको पूछे कि महात्मा बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन थी, प्रथम शिष्या, तो आप बताएंगे महात्मा बुद्ध की प्रथम शिष्या इनकी माता ही थी, माता प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी ही इनकी क्या थी, प्रजापति गौतमी ही क्या थी, प्रथम शिष्या थी, क्लियर है। शिष्य के बारे में अगर कभी पूछ ले तो इनके प्रिय शिष्य थे, प्रथम शिष्य तो नहीं कह सकते, बट इनके प्रिय शिष्यों में आनंद, आनंद और उपाली, आनंद और उपाली आते थे, ठीक है, क्लियर। ये कुछ बिंदुओं को और आप ध्यान रखिएगा। हमारा प्रयास था कि एमसीक्यू के माध्यम से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस करवाया जाए, और कहीं ना कहीं बहुत ही हद तक आपको बहुत सारी चीजें जैन धर्म और बौद्ध धर्म संबंधित बता दी, ठीक। आप किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपके हर प्रश्नों का जवाब हम हर शनिवार को लाइव के माध्यम से देंगे। बाकी और भी कोई आपको दिक्कत हो, कुछ हो, तो आप ये जो आपका पीडीएफ के माध्यम में आपको मिलेगा वहां से आप देख सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नए सेशन में, धन्यवाद।